चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। पैसा कमा
कमाना है, कैसे कमाना, कैसे कमाना, पैसा नहीं रखा हुआ, थोड़ी छोट भागे ले आऊंगा, सही है। पहले मुझे उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, प्रोसेस बनाना पड़ेगा, मुझे अपना इनपुट ठीक करना पड़ेगा, पैसा अपने आप पीछे पीछे दौड़ा हुआ है, सही है। मेरे क्या है सर, किसी भी तरीके से इस साल सैनिक स्कूल निकालना है, निकालना है, निकालना है, मिलिट्री स्कूल निकालना है, निकालना है, क्या बोलने से निकल जाएगा? इनपुट पे काम करना पड़ेगा। इनपुट क्या है? कितने घंटे पढ़ते हो, तुम्हारे अच्छे दोस्त कितने हैं, सही है, कितने घंटे रिवीजन करते हो, कितने टेस्ट दिए हैं, वीकली टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे हैं, सही है। आपको लगातार चलना पड़ेगा, लगातार, ये नहीं चार संडे पेपर दिया, पांचों संडे, अब तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं ना, परसिस्टेंस रहना पड़ेगा आपको, लगातार 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 रिपीटेडली, क्लियर है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एडॉप्ट द स्ट्रॉन्ग व्हाई। जब तक आपके पास, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, आपके माँ बाप ने आपको भेज दिया है, ध्यान से समझना, सबके माँ बाप चाहते हैं, सही है, सबकी इच्छा है कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, पायलट बने, सबके माँ बाप चाहते हैं, सही है, सबकी इच्छा है। लेकिन क्या इसमें सबका इरादा मजबूत है? जोर से बोलो, क्या सबका इरादा मजबूत है? सारे बच्चों का, अगर 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या सबका इरादा मजबूत है? जोर से नहीं है। कुछ लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, अभी कॉलिंग होगी, पापा 5 बजे उठा देते हैं, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। क्या सबकी आदत है 10 घंटे पढ़ना? नहीं, सही है कि नहीं? क्या सबकी आदत है रोज 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन करना? नहीं। तो इच्छा तो है लेकिन इरादा मजबूत नहीं, सही है, समझ आ गई बात पक्का? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भैया जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, मोदी जी के पास देखो स्ट्रॉन्ग रीजन है कुछ, सही है, आप देखो उन्होंने पूरा डंका बजा रखा पूरी दुनिया में। तो जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं, आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम करोगे, 5वें दिन फिर वही घूमने चलते हैं, यार ये वाली मूवी लगी, मूवी देखने चलते हैं, पता है ना, मन करता है कि नहीं करता है, फिर खेलने चलते हैं, यार फंक्शन हो रहा है, फंक्शन की तैयारी करते हैं। तो 4-5 दिन तो आप मोटिवेटेड रहते हो लेकिन 6वें दिन फिर वही नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आ जाते, होता ही नहीं होता है। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको पेपर क्लियर करने हैं, आपको बड़ा बिजनेस करना है, ध्यान से समझना, आपको ऑफिसर बनना है, आपको लीडर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको हर रोज अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, हर रोज अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, आज मैंने क्या अपना 100% दिया, समझ में आई बात, हर रोज। अब कई लोग मैं अभी देखो सावधान करके बिठाया, थोड़ी देर में बॉडी गिरने लग गई है, 2 घंटे सेमिनारों में ठीक से नहीं बैठ पा रहे। सोचो अभी 12th तक की लड़ाई है, एनडीए का पेपर देना है, लड़कियों ने भी एनडीए का पेपर देना है, एमएनएस का पेपर देना है, किसी को आईआईटी का देना है, किसी को मर्चेंट नेवी का देना है, तो क्या ये चीजें मेंटेन कर पाओगे आप बताओ, सही है। तो अपने आप से सवाल पूछो, अब सवाल याद है कि सर सवाल कैसे पूछो, 7 लेवल्स है, मुझे सक्सेसफुल क्यों होना है, क्योंकि मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे अपने माँ बाप को खुश करना है, फिर अगला क्वेश्चन, क्यों अपने माँ बाप को खुश करना है, क्यों सक्सेसफुल होना है। जितनी बार आप अपने आप से सवाल पूछोगे, आपके पास अच्छा रीजन आता जाएगा, आपके पास अच्छा आंसर मिलता जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन लेवल बना रहेगा, समझ आई बात। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं किसी भी फील्ड में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी फील्ड में, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, सही है। तो सिर्फ ऑर्डिनरी काम करोगे, अरे ये लड़की 8 घंटे पढ़ रही है, ये भी लड़की 8 घंटे पढ़ रही है, तो इसको कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना, अगर आपको अलग निकालना है, एक्स्ट्रा निकालना है, सही है, एक्स्ट्रा पढ़ना है प्लस स्मार्ट वर्क, सही है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहले तो हमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, सही है, उसके बाद वो रीजन कैसे आएगा आपको सोचना पड़ेगा, कि भाई ध्यान से सुनो, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मुझे अपने आप, अब आप बोलोगे मेरा स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे तो गाड़ी लेनी है, मुझे तो घर लेना है, सही है, वो आउटपुट है, घर गाड़ी खुशियां आउटपुट है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप से डिस्कस करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मी टाइम, हर रोज 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अपने आप को टाइम दो, अलग से शांति से बैठो, अपने आप से बात करो, आज का मेरा दिन कैसा रहा, क्या मेरा दिन प्रोडक्टिव रहा, सही है, आज मैंने जो पढ़ाई करी है कितना प्रोडक्टिवनेस रही है, मेरे पेपर संडे को पेपर है, मेरा कैसा रिजल्ट आ रहा है, अपने आप को इवैल्यूएट करो हर रोज, कम से कम आपको 30 मिनट्स देने,
और ये सवाल आपसे अपने आप पूछना है, क्लियर है? अदरवाइज ऐसे दिन निकलते जाएंगे, हफ्ते निकलते जाएंगे, महीने निकलते जाएंगे, साल निकलते जाएंगे, वो दिन कभी नहीं आएंगे, क्लियर है? थर्ड, हम सबके अंदर, ध्यान से सुनो, हम सबके अंदर एक विलन होता है और एक हीरो होता है, सही है? हम जिसकी तरफ फोकस करते हैं वो चीज बड़ी हो जाती है। अगर हमारे अंदर हीरो है, हम अच्छी हैबिट्स करेंगे तो बार 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 हमारे अंदर वो हीरो बड़ा हो जाएगा, हमारी आदतें अच्छी हो जाएंगी। अगर हम गलत चीज का साथ देंगे, गलत चीज के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे एब्यूसिव वर्ड यूज करके कई लोगों को लगता है मैं बड़ा कूल लग रहा हूं, सही है? कई लोग, समझ में आने की बात, ये कंप्लेंट्स भी आ रही है, कई लोग हैं अबे साले, अबे तूने, अबे तू, अबे वो, ऐसे करके उनको लगता है कि हम बड़े कूल लग रहे हैं, सही है? उनको ऐसा लगता है। तो आप क्या कर रहे हैं, गलत चीज को फीड कर रहे हो, गलत चीज को, धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज बढ़ती जाएगी और उससे रिलेटेड और गलत गलत चीजों के साथ आप जुड़ते जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, जाने अनजाने में आपके साथ ये होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक गलत चीज, दूसरी गलत चीज, तीसरी गलत चीज, चौथी गलत चीज, ऐसे करते 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 आप एक बार, एक टाइम बाद आके विलन बन जाओगे। क्या विलन बनना चाहते हो? नो सर। एक और मजेदार चीज, हमारा दो मन होता है, पता है ना, एक कहता है ऐसा कर, एक कहता है ऐसा कर। जब कोई फ्रेंड बोलता है चल यार खेलने चलते हैं, एक कहता नहीं पढ़ ले भाई, दूसरा क्या कहता है नहीं नहीं खेलने चलते हैं, सही है? कोई बोलता है यार घूमने चलते हैं, तो क्या होता है, एक मन मना करता है और दूसरा मन क्या करता है, पढ़ लेगा, सही है? होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वही चीज है, आप जिसको फीड करोगे वो चीज आपकी ग्रो हो जाएगी। हम सबके अंदर एक हीरो है और एक विलन है, समझ में आ गई बात? तो आपको याद रखना है, जितने भी लोग सक्सेसफुल है वो हमेशा पॉजिटिव चीजों को फीड करते हैं, सही है? आज हमने इससे लड़ाई कर ली, तू धड़ाका कर लिया एक बार, अब हमारी आदत बन गई है, हम नेगेटिव चीज को फीड कर रहे हैं, कल मैं इसके साथ भी करूंगा, परसों मैं इसके साथ भी करूंगा, परसों उसके साथ भी रफ लैंग्वेज यूज करूंगा, सही है? लेकिन आज मैं इसके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, वो मेरी आदत बनती जाएगी, तो मेरे अंदर का जो हीरो है धीरे 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 वो हीरो बड़ा होता जाए, सही है? गलत हैबिट करोगे, आपके अंदर अभी छोटा विलन, वो धीरे धीरे क्या होगा, एक हैबिट, दूसरी हैबिट, तीसरी हैबिट, चौथी हैबिट, अब वो बड़ा हो गया, सही है? समझ आ गई बात? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर हीरो है, उस हीरो को आपने लगातार इंप्रूव करना है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो लगातार आपको हेल्प करना है, आप किसी के साथ सॉफ्टली बात करते हो, अच्छे से बात करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ये सब क्या है, हीरोज की क्वालिटी है। तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी, आप सॉफ्ट स्पोकन हो जाओगे, प्यार से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, विनम्र रहोगे, लोगों को सुनोगे, कई लोग खुद ही बोलते रहते, सुनना ही नहीं उन्होंने, सही है? कई लोग हैं दूसरों को टाइम देते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रॉब्लम आए लेके आया, आप कह रहे हो अबे मेरी क्या प्रॉब्लम है, इससे बड़ी तो मेरी प्रॉब्लम है, होता ही नहीं होता है। तो ऐसा हमने नहीं करना है, तो ये वही चीज, ये वही पॉइंट है, ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं कि वन शाइनिंग गोल, यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप अभी सेमिनार में जा रहे हो, आपको बस ये सोचना है अगले दो घंटे मुझे अपना 100% देना, आप पेपर दे रहे हो, आपको आता है नहीं आता है वो बाद की बात है, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर? सावधान, वेरी गुड, समझ में आ गई बात? तो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो सक्सेसफुल टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी लोग, हर काम को अच्छे से करें, उनकी सोच के अभी मैं खेलने जा रहा हूँ बढ़िया से खेलूंगा, अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ खाने को एंजॉय करूंगा, सही है? खाना खाने जा रहा हूँ खाने को, सुबह मेरी एक्सरसाइज चल रही है, मैं एक्सरसाइज को एंजॉय करूंगा। कई लोग हैं वो एक्सरसाइज करते करते सोच रहे थे हाय ये कब खत्म होगा, समझ आई बात? पेपर शुरू हुआ एक घंटे तक, उसके बाद एक घंटा जैसे हो गया, उसके बाद हाय ये पेपर कब खत्म होगा, हाय ये क्लास कब खत्म होगी, हाय ये सेमिनार कब खत्म होगा, समझ में आई बात? हाय ये स्पोर्ट्स, मैं कई बार बड़ा हैरान हूँ कि बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, कुछ बच्चे जब वो अंदर रहते हैं तो खेलना चाहते हैं, जब खेलने जाते हैं तो अंदर आना चाहते हैं, जब उनको बाहर भेजो तो वो हॉस्टल में जाना चाहते हैं, हॉस्टल में भेजो तो बाहर जाना चाहते हैं, यानी वो कोई भी काम जाने अनजाने में ठीक कर ही नहीं रहे, जब उनको सोने का मौका मिलेगा तो रात को पिलो फाइट कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, सही है, मस्ती कर रहे हैं, जब सुबह टाइम से उठ रहे हैं फिर वो टाइम से नहीं उठ रहे, तो आपकी एक गलत आदत से सारे रूटीन में फर्क पड़ता है, सही है? अगर आपकी आदत अच्छी है, आप रात को चुपचाप 11 बजे सो गए, 5 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी, आप सो रहे हो रात को 1 बजे, सही है? तो क्या आपकी 5 बजे नींद खुलेगी? क्या आपका एक्सरसाइज में मन लगेगा? क्या आपका योगा में मन लगेगा? फिर आप ब्रेकफास्ट करने के वहां पर भी थका थका, आंखें छोटी छोटी लाल लाल हो रही है,
नाश्ता करने गए, क्लास में गए, पहले लेक्चर में ही सो रहे, पहले लेक्चर में ही सो रहे। गलती कहां थी? रात को टाइम से नहीं सोते। आपको पता है मुझे सुबह 5 बजे उठना है। आपको डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कल को ऑफिसर बनोगे, लीडर बनोगे, देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो दिवाली, देयर इज नो होली। समझ में आ रही बात? हर रोज रूटीन सेम है, हर रोज। तो सोचो बोलो कितने फोकस है, कितने, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कितने ज्यादा फोकस है, पागलपन है उनके अंदर आ गए। उनको उनको कोई मतलब नहीं। संडे है तो क्या हुआ? रूटीन तो वही है, 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, काम करना है। समझ में आ गई बात? तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें एक आदत होती है, परसिस्टेंस, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। सही है, लगे रहते हैं और लगातार लगे रहते हैं। कुछ बच्चे हैं, अभी आप देखो कोई इनिशियली कुछ लोग हैं वो 1 साल 2 साल प्रॉपर्ली तैयारी करते हैं। कुछ आपने देखा होगा छोटी छोटी प्रॉब्लम, मन नहीं लग रहा है, मम्मी की याद आ रही है, इनने मुझे गाली दे दी, इनने मुझे ये कर दिया, इनने मेरा कच्चा चोरी कर लिया, इनने मेरा बिस्कुट खा लिया। सही है, इसका मतलब क्या है? उनके पास कोई विजन नहीं है। They don't have any vision, they don't have any direction. ऐसे लोग कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। समझ में आई बात? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको लंबा चलना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा। ये मैराथन है, मैराथन, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। क्या है ये? जोर से, यहाँ पे वही बंदा जीतेगा जो आराम आराम, बिल्कुल आराम आराम। सही है। और भाई क्या हाल है? ठीक है। और भाई बढ़िया, समझ में आ गई बात? इसमें वही जीतेगा जो आराम आराम से चलेगा, लंबा चलेगा, प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेगा, सॉल्यूशंस पे काम करेगा, रिपीटिशन करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, लगातार करेगा। समझ में आ रही बात? कई लोग हैं साइनिक स्कूल के 10 साल का सैंपल पेपर है, एक बार सॉल्व करके बड़े खुश हो गए। अरे भाई उनसे पूछो जो तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बच्चे 2-2 साल तैयारी करते हैं लगातार, उसी सैंपल पेपर को वो कम से कम 4-4, 5-5 बार करते हैं, क्योंकि कंपटीशन ही बहुत हाई है। सही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप टैलेंटेड नहीं हो, हम ये नहीं कह रहे भाई टैलेंटेड नहीं है। समझ में आ गई बात? मैं ये कह रहा हूं कि जो दूसरा बंदा है वो इससे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए, सबको पक्का पकाया बच्चा चाहिए, बढ़िया वाला, सुंदर था। समझ आई बात? सबको बढ़िया एकदम तैयार बच्चा चाहिए। किसी को nobody wants कि कोर्स पे ज्यादा टाइम लगाना पड़े, कोई किसी पे टाइम लगाना नहीं चाहता। क्लियर है? पक्का? अब देखो जरा नेक्स्ट हैबिट, ये हमारे पास सिक्स्थ हैबिट आ गई, पावर ऑफ योर स्टोरी। जो भी आपके साथ घटनाएं होती हैं उसको आपको पॉजिटिवली लेना है, वहां से कुछ सीखना है। आप बोलोगे नहीं मेरा वहां पे तो 1 साल खराब हो गया, कभी भी साल खराब नहीं होता, मेरा उसके साथ 1 महीना खराब हो गया, नहीं इसकी वजह से मेरा 1 घंटा खराब हो गया, खराब है, इसने आपको सिखाया है कि तू नलायक है, तू मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रही है, मैंने तो खेलना है। सही है कि नहीं? तो कभी भी आपको, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव चीजों से, फेलियर से वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ये लड़का मुझे बार बार खेलने के लिए लेके जाता है, ये मेरा टाइम नहीं खराब कर रहा, मैं नलायक हूं, क्योंकि मेरा मन करता है इसके साथ जाने का, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। समझे? ये मेरे को पिक्चर देखने के लिए लेके जाता है, सलमान खान की पिक्चर, ठीक है? समझ में आ रही बात? ये मेरे को बार बार पूछता, मेरा भी मन करता है, हाँ यार बात तो सही कह रहा है, आज रहने देते, मजा आएगा, घूमने चलते हैं, क्योंकि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका अपने ऊपर बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल होता है, बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल होता है। उनको पता है कहां पे यस करना है, कहां पे नो करना है, किसको हाँ करना है, किसको ना करना है, किन चीजों को टाइम देना है, किन चीजों को नहीं देना है, कहाँ टाइम पास करना है, कहाँ नहीं करना है। समझ में आ रही बात? कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। अब हम आती है, बहुत सारी मूवीज आती है, आप मूवीज देखो, मैं भी मूवीज देखता हूँ, लेकिन मैं वो मूवी देखता हूँ जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है, जो मुझे मोटिवेट करती है, जो मुझे आगे लेके जाती है, जिससे मैं और इंस्पायर्ड होता हूँ। मेरा 3 घंटा मैंने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? अब वो सलमान खान वाली देखते हैं, मजा बहुत आता है, लेकिन उससे हुआ क्या? कुछ मिला? कपिल शर्मा क्या होता है बाबा जी का? कुछ नहीं मिला, टाइम वेस्ट, बड़ा मजा आ रहा है। सही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं इस लड़की को गलत क्यों बोलूं, मैं उस लड़के को गलत क्यों बोलूं। सही है। मेरे को किसी को गलत बोलने का राइट नहीं है, मैं खुद ही गंदा हूं, मेरी सोच गंदी है। सही है। मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसने मुझे खेलने के लिए बुलाया, मैं चला गया।
रात को पता है 11 बजे सोना है, लेकिन उसने उसको बुला लिया, आजा मेरे रूम में आजा मजे करेंगे, सही है, खेलेंगे रात को, पिल्लो फाइट करेंगे, होता है ना, रात को नाइट गपशप करेंगे, तो तुम्हें मजा आ रहा है तो लो मजे, सही है। और मजेदार बात यह है कि तुम मजे लेने आए तो तुम मजे मिल जाएंगे, एंड में रिजल्ट नहीं आएगा, सिंपल क्लियर है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चीजों से सीखते हैं, वो कभी ये नहीं कहते मेरे साथ गलत हो गया, मेरा एक साल खराब हो गया, मेरा एक महीना खराब हो गया, ना, कभी भी आपका खराब नहीं होता, आपको हमेशा सीखने को मिलता है। अब आपको पता लगे कि मुझे ये चीज नहीं करनी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मेरे को ये गलती नहीं करनी, मुझे उसके साथ नहीं जाना है, मुझे उसकी बात नहीं माननी है, मुझे उस बंदे को टाइम नहीं देना है, समझ में आ गई बात, जोर से। किसी के मन में कोई क्वेरी, कोई बच्चा हाथ खड़े करना चाहता है, शाबाश वॉलंटियर, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है, तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लगेगा अगर तुम कोई सवाल पूछोगे तो, शाबाश। सक्सेस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, जल्दी जल्दी, हाँ जी खड़े हो जाओ, शाबाश। चलिए उसके बाद आती है हमारे पास 3C टेक्निक। तो ये टेक्निक हमें बताती है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें करेज होता है, साहस होता है, वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, भागते नहीं है, हाय मुझे मम्मी की याद आ गई, समझ में आई बात, एक दिन रोटी थोड़ा आगे पीछे होगी, मम्मी मेरे को रोटी ठीक नहीं मिल रही है इसलिए मैं आ रहा हूँ वापस, समझ में आई बात, पक्का, जोर से। हमें करेज होता है, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, अपने आप को लगातार तैयार करते रहते हैं, लगातार, रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली, लगातार तैयार करते हैं, सही है। क्या मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, मैं स्कूल चला रहा हूँ, क्या मुझे बच्चे परेशान नहीं करते हैं, मेरे हॉस्टल में डैमेज नहीं करते हैं, क्या पेरेंट्स कंप्लेन नहीं करते हैं, क्या स्टाफ परेशान नहीं करता है, क्या सरकार के कंप्लाइंसेस पूरे नहीं करने हैं, करने हैं ना, गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने हैं, पेरेंट्स को भी खुश करना है, बच्चे को भी खुश करना है, स्टाफ को भी खुश करना है, देखो तुम्हारे पीछे दो मैडम खड़ी है, सही है। लेकिन क्या होता है, कोई मैडम प्रॉब्लम लेके आई तो क्या मैं भाग जाता हूँ, क्या मैं भाग जाता हूँ, नहीं, समझ में आ गई बात, हमें पॉजिटिवली लेना है और हर प्रॉब्लम को पॉजिटिवली फेस करना है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चैलेंजेस है, गर्मी है तो है, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, समझ में आ गई बात, जब सक्सेसफुल हो जाना तो नखरे करना, ड्रामे करना, नवाबों वाले शौक रख लेना, है ना, लखनऊ के नवाब, नवाबों का शहर है ना लखनऊ, वहां की बड़ी मजेदार स्टोरी है, तो अंग्रेजों ने आक्रमण किया, कब्जा करने की कोशिश करी, वो नवाब था, तो उसके एक एक पैर में जूता डाल दिया, दूसरे पैर में जूता डालने की बारी आई, किले पे कब्जा होने लग गया, वो भागा ही नहीं, तो उससे बाद में पूछा, भाई तू भागा क्यों नहीं, कह रहा मेरे एक पैर में तो जूता डाल दिया, दूसरे में डाला ही नहीं, तो मैं नहीं भागा, तो इसीलिए बहुत बड़ा फेमस है नवाब, ठीक है, तो इसीलिए उनको बोलते हैं नवाब, नवाबों का शहर है ना लखनऊ, तो नवाब साहब की कहानी बड़ी फेमस है कि आक्रमण हो गया, किले पे कब्जा हो गया, सब भाग रहे हैं, लेकिन जो राजा है वो बैठा हुआ है, कर मेरे एक पैर में तो जूता डाला है, दूसरे में डाला ही, मैं क्यों भागू, समझ आई बात, तो इतने भी नखड़े नहीं होने चाहिए, यहां से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये मिलती है, चलिए ठीक है जी। तो ये आपके पास जब करेज होगा, देखो एक बच्चे ने, मैंने एक बार सेमिनार लिया था, बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था, सर कॉन्फिडेंस कैसे आया, सही है पूछा था, आई डोंट नो कौन सी क्लास थी, क्योंकि अलग अलग क्लास का सेमिनार होता है, ठीक है जी, ठीक है, तो ये है कॉन्फिडेंस, करेज होना चाहिए, साहस, हर चीज के लिए तैयार रहना, प्रॉब्लम आ रही, गर्मी आ रही, तैयार है, पेपर आ रहे हैं, तैयार है, सही है, कंपटीशन है, तैयार है, हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं डरते, हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को और बेटर करेंगे, ठीक है। कमिटमेंट लगे में, जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं, अगर आपकी एक बार आदत बन गई ना, एक बार इससे झूठ बोला, कल उससे बोलोगे, परसों उससे बोलोगे, नर्सों मैडम से बोलोगे, फिर मैनेजमेंट से बोलोगे, फिर पेरेंट्स से झूठ बोलोगे, फिर बच्चों से बोलोगे, समझ में आ गई ना, ये आदत बिल्ड हो जाती है। जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी अपनी, हमेशा अपनी कमिटमेंट में खड़े रहे, हमेशा क्लियर है, जरूरी नहीं कि सारी कमिटमेंट आज ही पूरी होगी, लेकिन वो उसमें लगातार काम करते हैं, जो बोलते हैं उसको वैल्यू करते हैं, जब भी आप बोलते हो बहुत सोच समझ के बोलो, ये नहीं है कि आज उसको वादा कर दिया, कल उसको वादा कर दिया, मैडम को कुछ बोल दिया, पेरेंट्स को कुछ बोल दिया, उसके बाद अरे जमाना चलता है, अगर आपका ये एटीट्यूड एक बार बन गया, आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लोग आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, ना आपके पास कभी टीचर्स विश्वास करेंगे, ना पेरेंट्स करेंगे, ना बच्चे करेंगे, समझ में आ गई बात, तो आपको जितने भी सक्सेसफुल हो गए, आपको हमेशा अपनी कमिटमेंट में रहना, क्लियर है।
और ये देखो कमिटमेंट कैपेबिलिटी, लगातार अपने आपको तैयार करना है, अपने आपको कैपेबल बनाना है हर चीज के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए। जो भी चीज हो रही है, हॉर्स राइडिंग हो रही है बढ़िया से करेंगे, स्विमिंग हो रही है बढ़िया से करेंगे, आज मेरी हॉस्टल में ड्यूटी लगाई अच्छे से करेंगे, समझ में आ गई बात। हर चीज के लिए तैयार है हम। अगर मेरे को लग रहा है कि भैया मेरे भले के लिए चीज करी जा रही है, स्कूल ने मुझे गाइड किया है, मेरे टीम लीडर ने मुझे गाइड किया है, मेरे ऑनर ने मुझे गाइड किया है, मेरी टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है, मुझे विश्वास है कि मेरा टीचर बढ़िया है, मुझे जो कह रहे हैं मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करूंगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? जोर से। तो आज आपको पता लग गया कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अगर ये तीन सी पे आप काम कर लो, करेज, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, लगातार ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज रात को आप सोए और अगले दिन सुबह कॉन्फिडेंट मैं हूं शक्तिमान, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस, टाइम बाय टाइम। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। आप देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको पता है मैं सब कुछ नहीं कर सकता, सही है, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, हर काम मैं नहीं कर सकता, क्या स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं ना। तो पता होना चाहिए, आप जब आप कल को लीडर बनोगे, ऑफिसर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता होना चाहिए कि हर काम मैं नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ अपने वन थिंग पे फोकस करना है। बड़ी अच्छी किताब है द वन थिंग, वो किताब ये बताती है कि आपको सिर्फ वही काम करना है जिसमें आप बेस्ट हो। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो बाकी आप कुछ नहीं पढ़ाओगे, आप अपनी इंग्लिश को इतना इंप्रूव करोगे, इतना इंप्रूव करोगे, इतना इंप्रूव करोगे कि अंबाला में छोड़ो, हरियाणा में छोड़ो, पंजाब में छोड़ो, आप इंडिया में बेस्ट इंग्लिश टीचर बनोगे, तब आप सांस लो, सही है, समझ में आ गई बात। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग उनको पता है कि अगर मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मुझे सारा काम नहीं करना है, मुझे सब कुछ नहीं करना है, मुझे अपने वन थिंग पे फोकस करना है। अगर मैं बोलने में अच्छा हूं तो मैं यही वाला काम करूंगा, अगर मेरी राइटिंग अच्छी है तो मैं उससे रिलेटेड काम करूंगा, अगर मेरी ड्रॉइंग अच्छी है तो मैं ड्रॉइंग का काम करूंगा, समझ में आ रही बात। जो चीज मेरी बेस्ट है उसके ऊपर, अगर मेरी पर्सनैलिटी जबरदस्त है तो मैं उसको और इंप्रूव करूंगा, सही है, क्लियर है। तो आपको याद रखना है हमेशा, अभी जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो अगर आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, साइंस में अच्छे नंबर आते हैं, इंग्लिश में अच्छे नंबर आते हैं, तो आपको क्या बोला जाता है कि आपको अपनी हिंदी भी इम्प्रूव करनी है, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। तो ये स्कूल में तो चलता है, लेकिन ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने नहीं है, हर एरिया में काम करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई बात। अगर आपको कल को ऑफिसर बनना है, लीडर बनना है, तो आपको काम को डेलीगेट करना आना चाहिए कि आप वेबसाइट संभालोगे। मैंने बता दिया कैसे संभालना है, मैं एक्सपर्ट लेके आऊंगा, ये वेबसाइट संभालेगी, ये मेरी बढ़िया वीडियो बनाएगी, इनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, बोलने में बहुत अच्छा है, ये मेरी वीडियो बनाएगी, ये मेरी वीडियो एडिट करेगी, इन्होंने बीसीए एमसीए किया है, समझ में आ गई बात। आपको अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, क्लियर है। पता चला नहीं नहीं सर ये अच्छी वीडियो नहीं बनाती, मैं ही बनाऊंगी सर, मैं अपना काम खुद ही करूंगी, सर ये एडिट अच्छा नहीं करती सर, कई लोग ऐसे नहीं सर मैं खुद ही कर लूंगी, वो खुद ही बेचारे करते रहते हैं करते रहते हैं, और उसके बाद करते 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 फिर खुद ही कहते हैं सर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत काम है, बहुत वर्कलोड है। अरे भाई आप अपने आप से दुखी हो, पहले आप ये सब लोग क्लियर है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको पता है काम को कैसे डेलीगेट करना है, कैसे काम को सबमिट करना है, किसको देना है, किससे करवाना है, किससे नहीं करवाना है, मुझे क्या करना है मुझे पता होना चाहिए, क्लियर है। कोई क्वेरी, सावधान होकर बैठ जाओ, सावधान, विश्राम, सावधान, वेरी गुड। हाँ जी, किसी बच्चे के मन में कोई सवाल, वेरी गुड, खड़े जो अपने माइक दे दीजिए मैम जल्दी से बच्चे को फटाफट, वेरी गुड। सर व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन किसी भी काम को लगातार करते रहना, चाहे मन हो चाहे ना हो, ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। सुबह उठने का मन नहीं करता लेकिन उठूंगा, कोई रोक के दिखा दे मुझे, पढ़ने का मन नहीं करता पढ़ूंगा, कोई रोक के दिखा दे, संडे को 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे कैसे निकलेंगे, पेपर भी दूंगा और टॉप भी करूंगा, मन मन गया भाड़ में, समझ में आ गई बात। जो आप काम रिपीटेडली कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, बिना मन के कर रहे हो, मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता, किसका करता है, मेरा हेल्दी फूड खाने का मन, अरे किसका करता है, हर कोई बर्गर खाना चाहता है, पिज्जा खाना चाहता है, सही है, जोमेटो स्विगी इसीलिए तेजी से ग्रो कर रहे हैं, सही है। आप लोगों को कोई भी अच्छे काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है बेटा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और अगर
समस्या नहीं करनी पड़ती तो फिर तो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, ये भी इंजीनियर बन जाएगा, ये भी हर सबके पास एक चार्टर प्लेन आ जाएगा, सबके पास अपना अपना हेलीकॉप्टर होगा। भाई कहां पे? अच्छा मैं यहाँ पे, चल ले यहाँ ग्राउंड में आ जाए हेलीकॉप्टर से फटाफट, वो तू अपने हेलीकॉप्टर से ग्राउंड में आ गया, मैं अपने हेलीकॉप्टर से आ गया, समझ में आ गई बात? फिर तो सारे सक्सेसफुल हो जाते ना। सवाल का जवाब मिल गया? बिना मन के भी काम करना है, लगातार करना है, करना ही करना है, फिर एक टाइम बाद आपको मसाज मिल जाता है। मैं 15-15, 16-16 घंटे काम करता हूँ, बहुत मजा आता है, पहले नहीं आता था, पहले सुबह उठने में दिक्कत आती थी, अब बहुत मजा आता है। तो कुछ काम को लगा, जब आप 5-6 महीने आपको दिक्कत आई, कोई बच्चा हॉस्टल में नया नया है, दिक्कत आती है, नए दोस्त नहीं बन पाते, टाइम लगता है, पक्का क्लियर हो गया? माइक और किसका था? हाँ जी माइक दूसरे वाले को दे दो जल्दी से। डिसिप्लिन सबको क्लियर हो गया? यस सर। जोर से एक बार ताली बजा दो इस बच्चे के लिए। गुड मॉर्निंग। हाउ टू इंक्रीज विल पावर? विल पावर बहुत ही जबरदस्त जस्ट क्वेश्चन, एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम आपका? जय सिंह। जय सिंह बेटा कहाँ से हो? सर झारखंड रांची। झारखंड रांची से, वेरी गुड। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। बैठ जाओ बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विल पावर। कई लोगों में विल तो होता है लेकिन पावर नहीं होती। सही है। अब आप में भी तो विल था तभी तो यहाँ तक आया हो ना। आपके मम्मी पापा में विल है, वो चाहते हैं, तभी बेचारों ने इतनी फीस भरी है, आपको हॉस्टल में भेजा है, पैसे खर्च किए हैं, वो चाहते हैं कि आप तैयारी करो। तो आपके मम्मी पापा के पास भी विल थी, पावर थी, आपके पास भी विल थी। अब पावर डिसाइड करेगा कि आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। सही है, विल तो है आपके पास, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, लेकिन विल पावर, अगर आपकी विल पावर जबरदस्त होगी, फिर वही बात कंसिस्टेंसी करेज, वही वाला पॉइंट जो ट्रिपल सी वाला दिखाया था, एक बार दोबारा से दिखा देता हूं मैं, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी, ये 3 C अगर आपके अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली बेटा, मैंने क्या कहा, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है सुबह उठ के आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक गिलास पानी पी लिया उसका बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये धीरे धीरे होता है, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो बेटा, डिसीजन लेते हो, सही काम करते हो, रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है आपको, जब छोटी छोटी सफलता मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी विल पावर बढ़ती है। समझ में आ गया? पक्का? आपने पेपर दिया, आपने तैयारी करी, आपने मेहनत किया, एक पेपर में 100 में से 50 आए, बहुत बढ़िया। अगले हफ्ते आपने और जोर लगाया, 60 आ गए, अगले हफ्ते और जोर लगाया, 70 आ गए, ऑटोमेटिकली क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, विल पावर बढ़ रही है। मैंने कोई डिसीजन लिया, स्कूल खोलना है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे खुश है, पेरेंट्स खुश है, क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, विल पावर बढ़ गया, मैं अब अगला नया स्कूल खोलूंगा, पहला स्कूल ठीक से चल नहीं रहा है, सीटें खाली पड़ी हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, रिजल्ट आ नहीं रहा, तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा, क्या विल पावर बढ़ेगा? क्लियर हो गया? विल पावर, छोटे छोटे डिसीजन जब आपके सही होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका ऑटोमेटिकली विल पावर बढ़ता है। क्लियर होगी बात? थैंक यू सो मच। चलिए अगला जो पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कई लोगों को लगता है आज सैलरी इतनी है, कल इतनी मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। अरे तुम रोंदू हो, तुम आज भी दुखी हो, तुम कल भी दुखी रहोगे। कई लोगों को लगता है, ध्यान से सुनो, कई लोगों को लगता है हॉस्टल में जाएंगे तैयारी करेंगे, ध्यान से सुनना, हॉस्टल में जाएंगे तैयारी करेंगे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मजा आएगा। तुम आज दुखी हो, तुम कल भी दुखी रहोगे, समझ में आई बात? तो कई लोग फ्यूचर में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस आज में है, हैप्पीनेस तैयारी में है, समझ में आई बात? हैप्पीनेस ट्रेनिंग में है, जिसको अपने काम करने में मजा आने लग गया वो खुशी है, समझ में आई बात? कई लोगों को लग रहा है बड़े अधिकारी बन जाएंगे, गाड़ी मिलेगा तो बहुत मजा आएगा, 2-4 नौकर चाकर मिल जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, सरकारी घर मिल जाएगा तो बहुत मजा आएगा। बेटा तुम आज दुखी हो ना, तुम कल भी दुखी रहो, समझ में आ गई बात? क्योंकि तुम जो अपनी खुशियां है ना, वो गलत चीजों में ढूंढ रहे हो, समझ में आ गई बात? हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, मजा तैयारी में, ट्रेनिंग में, पढ़ाई में, जो मैं काम कर रहा हूं मजा उसमें है। तो कई लोगों को लगता है कि मैं अगर काम करूंगा उससे ये चीज मिल जाएगी तो मजा आएगा। इसका उल्टा कर दो, अगर आप काम को एंजॉय करोगे, मजे करोगे, तो
रहेंगे। समझ आ गया? सिंपल। हमें क्या लग रहा है, पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, जोर लगाऊंगा तो गाड़ी आएगी तो मजा आएगा, ऑफिसर आईएएस बन जाऊंगा तो मजा आएगा। अगर आज आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आप ऑफिसर बनोगे, अगर आज आपको खेलने में मजा आ रहा है तो आप ऑफिसर बनोगे, आज मुझे सेमिनार देने में मजा आ रहा है तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, तो मेरे बच्चे खुश होंगे। क्लियर है? पक्का? इसको उल्टा कर दो। 99% लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्या कह रहे हैं, आज बेटा जाओ सैनिक स्कूल की तैयारी कर लो, पढ़ लिख जाओगे, बड़ी गाड़ी मिलेगी तो मजा आएगा, बड़ा घर मिलेगा तो मजा आएगा, 10-15 नौकर चाकर लगेंगे तो मजा आएगा। नहीं आएगा मजा, थोड़े दिन आएगा, महीना दो महीना साल मजा आएगा, है ना? कोई आपको एक सल्यूट मारेगा, यस सर, एक बार मजा आएगा, दूसरी बार डर जाओगे, अब क्या कर रहा भाई, मजा कहीं भी जा रहे हो सल्यूट मार रहा है, कोई जा रहा है सल्यूट मार रहा है, आप डर जाओगे, अभी क्या हो रहा है। समझ आ रही बात? तो ये इन चीजों में मजा नहीं है, मजा काम में है, पढ़ाई में है, ट्रेनिंग में है। समझ में आ रही बात? क्रिकेटर है, देखो आप 8-8, 10-10 घंटे खेल रहे हैं, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, और जो काम को एंजॉय कर रहे हैं वो रिजल्ट अपने आप आ रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ जी, इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई सवाल? 9th पॉइंट, जल्दी जल्दी बेटा शाबाश, हाथ खड़े करो गर्ल्स, पीछे से बॉयज, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी मैम, दे दीजिए बच्चे को, जल्दी जल्दी दे दो। हाँ जी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? नीड एंड वांट, बहुत अच्छा सवाल। क्या नाम है बेटा आपका? नमन। नमन, कौन सी क्लास? 8th। कहाँ से हो? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल वालों के लिए करा एक बार जोरदार तालियां बजा दो। सही है, बैठ जाओ, थैंक यू सो मच। नीड एंड वांट, नीड एंड वांट, नीड बताता हूं क्या है, मजेदार है, खाना खाने के 3 रोटी का पेट भर गया, आज संडे है, आलू के परोठे बने, सही है, 3 परोठों में 2 परोठों में पेट भर गया, लेकिन 5 खा रहे हैं, नीड कितने की है? 3 की, छोटे बच्चों को 2 की, लेकिन 5 खा रहे हैं, सही है, तो नीड पे बेटा 2 की, लेकिन खा रहे हैं 5, मन कभी भर ही नहीं सकता, पहले तो अपने दिमाग में बात डाल दो, सही है, घर का गुजारा चल रहा है 50,000 में, 1,00,000 में, लेकिन फिर भी आपने देखा है लोग करोड़ों रुपए लूटते हुए पकड़े जाते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, लॉकडाउन में गलत हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं कि नहीं, गलत सैनिटाइजर बना के बेच रहे हैं, गलत मास्क बना के बेच रहे हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। नीड तो है कि मेरा परिवार खुश है, मेरी जो जरूरत है 50,000 में जरूरत है, मेरा काम चल जाता है, 1,00,000 में जरूरत है, लेकिन नहीं। वांट क्या कहती है? हाँ जी हिमाचल वाले भाई, वांट क्या कहती है? नहीं 50,000 नहीं चाहिए, थोड़ा सा और, वो आपको गलत लेके जाती है। तो जब हम बॉन्ड पे आ जाते हैं तो हम गलत ट्रैक पे जाने जाते हैं, इसीलिए मेरा सबसे पहला पॉइंट बेटा, हिमाचल वाले भाई बड़े स्मार्ट हो आप, जो मेरा पहला पॉइंट था वो क्या था, मेरा यही तो था कि हमें अपनी लाइफ को एक प्रॉपर गोल देना पड़ेगा। वाई वाई वाई, मुझे सक्सेसफुल क्यों होना है, मुझे पैसा क्यों कमाना है? अगर आपका वाई ठीक होगा आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे, आपका वाई जहां पर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ आप गलत ट्रैक पर पहुंच जाओगे, सही है। अगर मेरी सैलरी 50,000 है और मैं 50,000 में खुश नहीं हूं, तो क्या मेरे को 5,000 और मिल जाएंगे तो उसमें खुश हो जाऊंगा? सोचिए देखो मैडम, 2 परोठे में पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, गले तक डालते हैं रोटी, हमारे इंडियन की आदत है, इसको बोलते हैं ओवर ईटिंग। आपको पता है मेरी सुबह 10 बजे क्लास है, 11 बजे मेरा विनय सर का सेमिनार है, फिर भी सुबह 8 बजे, क्योंकि आज संडे है, परोठे बने हुए, मैस वाला कंप्लेंट करता है सर छोटे छोटे बच्चे 8-8 परोठे खा जाते हैं, 5-5 परोठे खाऊंगा। तो नीड अलग है, वांट अलग है, समझ में आगे बात? तो हमें अपनी नीड को समझना है, अपने आप से सही सवाल करने हैं। कई बच्चे 10 घंटे पढ़ के भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, और कई बच्चे 8 घंटे या 5 घंटे पढ़ के भी रिजल्ट दे रहे हैं, सही है। तो आपको अपनी नीड, बेटा क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच, बैठ जाओ, थैंक यू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो कभी भी आपका मन नहीं भरने वाला है, आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, लेकिन अगर आपकी सोच गंदी है, आपकी सोच घटिया है, आपका वाई खराब है, आपका आप
कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे आप गाड़ी ले लो, चाहे आप हवाई जहाज ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, एट द एंड कभी ना कभी आप फंसोगे, कभी ना कभी आप गलत काम में जाओगे, लेकिन अगर आप खुश हो, आपका बाई क्लियर है, मुझे बहुत मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में, पेरेंट्स के साथ बात करने में, पेरेंट्स की हेल्प करने में, सही है, मुझे मजा आ रहा है, तो मेरा नीड बिल्कुल मेरा पूरा हो रहा है, मेरा 50,000 से पूरा हो जाएगा, मेरा 1,00,000 से पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा नीड सही नहीं है तो मेरा वॉन्ट मुझे हमेशा कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। हाँ जी बेटा, एफिशिएंसी क्या नाम है? कशिश का सवाल है, एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे इसको इम्प्रूव करें और क्यों ये ठीक नहीं होती है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा है अगला लेक्चर इंग्लिश का है, मैडम नहीं आई मजा आएगा, सही है, एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। अभी क्या है, मैं सेमिनार ले रहा हूं, मैंने अपना फोन बंद कर दिया, आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी अगले 1.5 घंटे 2 घंटे सेमिनार लेना, दैट इज एफिशिएंसी, कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा हूं और उसको सही तरीके से कर रहा हूं, पूरे दिल से कर रहा हूं, पूरे मन से कर रहा हूं, दैट इज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्यों आ गई, 1 बजे सर का प्रोग्राम खत्म होगा, संडे आज से भैया वाली है, मजा आएगा, सेमिनार चल चल रहे, सेमिनार भी चल रही है, अगले संडे से छुट्टियां पड़ रही है, मेरी मम्मी मुझे आने वाली लेने के लिए, काम कर रहे हो कुछ, दिमाग कहीं और चल रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक क्या कर रहा है, हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इस दुनिया में जिंदगी में कुछ फ्री नहीं होता है, कुछ भी फ्री नहीं होता है। आप बोलोगे नहीं तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको अपना फोन दिखाता हूं, कैमरे में भी दिखाता हूं कि देखो मेरे पास ना कोई व्हाट्सएप है, सेमिनार लेते लेते मैं कैमरे वाले भी है, देखो जरा जूम करो, ना मेरे पास कोई फेसबुक है, ना मेरे पास कोई इंस्टाग्राम है, ना मेरे पास कोई टिकटॉक है, ना मेरे पास कोई टकाटक है, सही है, अपनी लाइफ को कंट्रोल, मेरा व्हाट्सएप है उसकी भी नोटिफिकेशन बंद रहती है हमेशा, ताकि क्योंकि मैं कोई काम जरूरी कर रहा हूं, ये टन कोई काम कर रहा हूं, टन टन कोई घूमने गया फेसबुक फोटो डाल दी टन, अब मैं जरूरी काम कर रहा था, अब मेरे मन में क्या आ रहा है, अच्छा तू भी घूमता है, मैं भी घूमूंगा, मैं भी फोटो डालूंगा, अच्छा काम क्या है, मॉल्डीव्स क्या है, मैं भी डालूंगा, पूरा जो आपका फोकस है वो खराब कर दिया, आप इतना जरूरी काम करते हैं। अभी मैं अपने स्टाफ को क्लियर करता हूं, मेरे को 2 बजे से पहले कोई भी आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, मुझे कॉल नहीं करना, सुबह मैं जरूरी काम करता हूं, प्रोडक्टिव काम करता हूं, सही है, जैसे सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक आपका जरूरी पीरियड चल रहा होता है, मेन पीरियड चलते हैं, उसके बाद 2 बजे से लेके 4 बजे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स है, कभी कंप्यूटर का पीरियड लग गया, कभी एक्टिविटी का पीरियड लग गया, लेकिन सुबह 8 बजे कभी आपका गेम्स का पीरियड होता है, सुबह 8 बजे कभी आपका हिंदी का पीरियड होता है, मेन काम चलेगा सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे तब तक आपने खाना नहीं खाया, जैसे ही आपने खाना खा लिया, अरे भैया यहाँ बात कहा, चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात, बैठ समझ आ गई बात, कहां से बात, रोहतक हरियाणा से, क्या नाम है बेटा आपका, कशिश, क्या क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज एफिशिएंसी, समझ में आ गया, यस सर, अब हो जाएगी पक्का क्लियर, yes, अपने आसपास जो लोग है ना, हमारे आसपास के लोग ही हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग, ये चल रहा यार खेलने चलते हैं, ये चल रहा यार पिक्चर देखने चलते हैं, ये चल रहा यार उस क्लास में मजा आएगा, मजा समझ में आएगा, जो हमारे आसपास के लोग हैं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, अगर तुम्हारे आसपास वाला नलायक है ना, 100% गारंटी है कि तुम भी नलायक हो, 100%, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, भाई ये मेरी लाइनें नहीं है, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, उसके ये पॉइंट्स मैं निकाल के आपके लिए लाया हूं, जिन्होंने दुनिया के हजारों लोगों पर रिसर्च करी, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उसके रिसर्च करने के बाद किताब लिखी, कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, कोई एक पॉइंट बताइए, आप सक्सेसफुल कैसे बनी, आप एक पॉइंट बताइए,
आप कैसे बने भैया, आप एक पॉइंट बताइए। तो ऐसे लोगों से मिलने के बाद, सर्वे करने के बाद ये किताब लिखी गई और मैं आपके लिए पॉइंट लेके आया। मेरे पॉइंट्स नहीं है, डोंट थिंक, ये दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग बुक है। समझ में आ गई बात? और मैं आपको सक्सेसफुल बना के ही छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तालियां बजाओ जरा जोरदार। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। क्लियर हो गया जी? तो जहां पे हमने, अब मैं आता हूं ना, मेरा पूरा दिन प्लान होता है, मुझे पता है मेरे को आपके साथ 2 ही घंटे लगाने हैं, मैं 10 मिनट फालतू नहीं लगाऊंगा, कि मेरा आगे का प्लान है, मेरा स्केड्यूल है। आज संडे है, पेरेंट्स को लगता है तो छुट्टी है, बच्चे से मिलने चलते हैं। बेटा क्या संडे को आपकी छुट्टी होती है? सुबह कितने बजे से आपका टाइम टेबल स्टार्ट हो जाता है? 6 बजे से। जोर से बोले जरा कैमरे वाले, जोर से। और दोपहर को कितने बजे तक चलता है? कितने बजे तक? 3:20 तक। फिर रात को कितने बजे शुरू होता है? 8 बजे शुरू होता है। कितने बजे खत्म होता है? 10 o'clock। वेरी गुड, समझ में आ गया? पेरेंट्स को लगता है छुट्टी है, थोड़ा दिल आते हैं। 19 मई को हमारे बेटे का बर्थडे है ना, कोई सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते आप। हर बर्थडे मनाना है आपको, हर मुंडन मनाना है आपको, हर लेडी संगीत में जाना है आपको, हर शादी में जाना है आपको। और आप बनना चाहते हो ऑफिसर, आप बनना चाहते हो लीडर, सही है? कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो हर शादी में जाता है? सक्सेसफुल लोगों को पता होता है मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, किसको हाँ करना है, किसको ना करना है, किसको सही बोलना है, किसको रोक देना है, किसको टोक देना है, किसी शादी में जाना है, किसी शादी में नहीं जाना है, उनको पता होता है, सही है? बाकी लोग हर शादी में जाएंगे, जितने कार्ड आएंगे ना, अरे भैया इस महीने 4 कार्ड आया है, 2 ही में तुम जाओ, 2 ही में हम जाएंगे। समझ में आई बात? तो सारी शादियां मना रहे हैं, शादी छोड़ो, लेडी संगीत में भी जाएंगे है ना, जब मेहंदी लग रही है उसमें भी जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ जी प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग। सक्सेसफुल होने के लिए किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, आ रहा है अगला पॉइंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अध्ययन। बेटा कहां से हो? पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, वेरी गुड। तो इसका सवाल का जवाब तो तुम्हारे पापा भी दे देंगे वैसे। बैठ जाओ, थैंक यू सो मच। बिजी है वो, वेरी गुड, सही बात है, बिजी रहते हैं, बिजी रहना पड़ता है ना। और सबसे मस्त लाइफ बिजी वाली होती है, खाली बैठोगे डिप्रेशन हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। लाइफ को डायरेक्शन देना है, पहला पॉइंट डायरेक्शन देना है, स्ट्रॉन्ग वाइज क्लियर होना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन था दोबारा से बोलना था, किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, टाइम में करना चाहिए, मनी में करना चाहिए? लो, इस बच्चे का क्वेश्चन है तो मैं पहले ही इस बच्चे के लिए पॉइंट ले आता हूं कि आपका कहां पे ये रहा, राइट टाइम, अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। 15वां पॉइंट, बैठ जाओ मैं बताता हूं। एक मिनट। यस, इसको हम, ओहो मैंने गड़बड़ कर दिया फिर से। वेरी गुड, शाबाश। आपका जो क्वेश्चन है बड़ा मजेदार है, और इस स्लाइड में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सवाल का जवाब है बेटा, ठीक है? ये देखो जी, ऑप्टिमाइज योर सोशल सर्कल, शेड्यूल योर डे, ये आ गया, इन्वेस्ट योर टाइम, मनी, एनर्जी वाइजली। तो इसी पॉइंट को मैं आपसे रिलेट करता हूं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको पता होता है मुझे अपना टाइम कहां लगाना है, कितना लगाना है, किसके साथ लगाना है, पैसा कहां लगाना है, कितना लगाना है। समझ में आ गई बात? तो अब आपका जो सवाल है कि किधर लगाना चाहिए, जिस चीज से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। मैंने आंसर दिया था वन थिंग, आपको अपना टाइम वहां पे लगाना है, एक ऐसी चीज में जो आपको सबसे जबरदस्त रिजल्ट दे रही है। मेरे को, मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, तो मेरे को बुक पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, मैंने पता नहीं हजारों बुक्स पढ़ी होंगी। तो मैं आज की डेट में अगर अपने बारे में बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ के फायदा हो रहा है, तो मैं सबसे ज्यादा टाइम बुक्स पढ़ने में लगाता हूँ दिन में। कम से कम मेरा टारगेट होता है, मैं नहाने गया, मैं फ्रेश होने गया, मैं ब्रश कर रहा हूँ, 10 मिनट लगता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट में कोई छोटी सी ऑडियो बुक लगा के ब्रश करते 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 इधर स्पीकर पे लगा दिया, टीवी पे लगा दिया, आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं,
है ना, तो मैं क्या करता हूं 10 मिनट की ऑडियो बुक लगा देता हूं, वॉशरूम में गया, फ्रेश होने गया, 10 मिनट लगते हैं ना फ्रेश होने में, दूसरी ऑडियो बुक लगा दी, तो मुझे उससे बहुत फायदा होगा। आपको देखना है आपका वन थिंग क्या है। वन थिंग एक बहुत जबरदस्त किताब है जो बताती है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हर चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है। जो आपको हम स्पोर्ट्स करवाते हैं वो सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए करवाते हैं, लेकिन जो हम पढ़ाई करवाते हैं वो आपको सक्सेसफुल होने के लिए करवाते हैं, ताकि आपका पेपर क्लियर हो, आप मेहनत करो, सही है। तो आपको सभी लोगों को अपना वन थिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको क्लियर हो गया, या आपको खुद देखना पड़ेगा, समझ में आई बात, या आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं, सबसे अच्छे रिजल्ट कहां मिल रहे हैं, किस दोस्त के पास रहने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको अच्छा लगता है, वो आपको मोटिवेशन मिलता है, और किस दोस्त के जाने से, किस दोस्त के पास जाने से मेरा टाइम खराब होता है, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, मुझे उसके साथ अच्छा नहीं लगता, वो नेगेटिव बातें करता है, वो गाली देता है, वो गलत बोलता है, समझ में आ रही बात। ये आपको देखना पड़ेगा कि किन सब्जेक्ट के टीचर से आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जहां से मेरे को ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, किन सब्जेक्ट के टीचर से मुझे बार बार जाना है, उनसे मिलना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में बार बार सवाल करना है, जवाब लेना है, बार 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 बार, सही है। आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सा खाना है जो आपकी डाइट में बढ़िया है, आपके लिए हेल्पफुल है, और आपको देखना पड़ेगा कि शाम को अगर आज चाउमीन बनी है तो कितना लेना है, क्योंकि चाउमीन मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आज समोसा है, समोसा खाना चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन कितना खाना चाहिए वो मुझे पता होना चाहिए। कोक पीने में कोई बुराई नहीं है, ढेर सारा कोक पीने में बुराई है, समझ में आई बात। तो हम क्या करें, बर्गर खराब है, पिज्जा खराब है, वो खराब नहीं है, हम खराब है, हमारी आदतें खराब है, समझ में आई बात। दुनिया को गलत बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, सही है। अगर वो लोग खराब होते तो आज अरबों खरबों का बिजनेस कर रहे होते, दे आर इंटेलिजेंट, सही है। इस पूरी दुनिया में आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, एक पहला वर्ड है जो लोग समझते हैं हेलो, और दूसरा वर्ड है कोक। पूरी दुनिया में अफ्रीका में चले जाओ, युगांडा में चले जाओ, जो सबसे बेकार कंट्रीज है, जहां पे हालत खराब हो गई है, वहां चले जाओ आप बोलोगे ना कोक, हर कोई समझता है, समझ में आई बात। तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग, अपनी पोजीशनिंग इस तरीके से करी है, और वो अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, और हम कह रहे हैं ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, हम खराब है, हमारी आदतें ठीक नहीं है, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ठीक नहीं है, ये लड़का नहीं खराब है, मैं खराब हूं, जब मुझे पता है ये गलत है। क्या नाम है तुम्हारा? करण। मुझे पता है कि करण गड़बड़ करता है, तो मैं करण के साथ क्यों जाता हूं, मुझे पता है करण पिटेगा मुझे भी पिटवाएगा, समझ में आई बात। तो करण में कमियां नहीं है, कमियां मुझ में है, मेरे में है, मैं गंदा हूं, मैं खराब हूं। जब आप इस एटीट्यूड से अपने आप बात करोगे, मी टाइम दोगे, तो आपका काम बन जाएगा। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, दसवां पॉइंट जल्दी से आ जाइए, लुक एट दिस थिंग रिटर्न। तो सक्सेसफुल लोगों को पता होता है, इस लड़के के साथ बैठूंगा तो मेरे को कितना फायदा होगा, करण के साथ बैठूंगा तो मेरा नुकसान होगा, उसको पता होता है, समझ में आई बात। शाम को लाइब्रेरी में जाके सेल्फ स्टडी करूंगा तो फायदा होगा, समझ में आई बात। तीन तीन चार चार घंटे खेलूंगा तो मेरा नुकसान होगा, रात की सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली, सुबह जल्दी भी उठना है, फिर एक्सरसाइज करने, फिर रूटीन को फॉलो। तो सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि यार कहां पे टाइम लगाना है, कहां पे पैसा लगाना है, कहां पे एनर्जी लगानी। कई बच्चों में देखता हूं शाम को एकदम ही मतलब तीन तीन चार चार घंटे खेल रहे, स्पोर्ट्स टाइम में तीन घंटे एकदम पसीने से लथपथ। आपको अपने आप को मैनेज करना है। मैं भी संडे संडे क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक है, लेकिन मैं अपने आप को बचा के चलता हूँ, क्योंकि मुझे मंडे को फिर काम पे लौटना है। मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट कहां से मिल रहा है? संडे क्रिकेट खेलने से, जोर से, संडे क्रिकेट खेलने से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मंडे को काम करने से रिजल्ट मिलता है। तो मुझे अपने आप को संडे को बचा के रखना है। पता चला अब ये देखो, कल को मैं नहीं गया हुआ था मीटिंग में, मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे दो दिन हो गए, सही है। तो मुझे अपने आप को बचा के रखना है, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, कोई हड्डी ना फ्रैक्चर हो जाए। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको पता होता है कि कहां पे टाइम लगाना है, कहां पे एनर्जी लगाना है, कहां पे पैसा लगाना है। उसके बाद 11वां पॉइंट, शेड्यूल योर डे, उनको पता होता है, पहले से प्लानिंग कर रखी है आज मुझे दिन भर में क्या करना है, क्लियर है उनको, पता है कि मुझे रात को 8 बजे सेल्फ स्टडी होनी है, तो मुझे शाम को कितना खेलना है, कितना जोर लगाना है, अगर खेलना भी है, खेलना भी है तो कितना जोर लगाना है। कोई मैं देखता हूं एकदम लथपथ, टी शर्ट फाड़ दी, बटन टूट गई सही है, बस आज का वॉलीबॉल मैच जीतना ही जीतना है,
चाहे टी शर्ट फट जाए, चाहे हाथ टूट जाए, सही है, छोड़ रहे। कई बार देखता बच्चे कबड्डी खेल होते हैं तो ना, अपनी बॉडी को आपको पता होना चाहिए। आपके पास आपको पता है आज मेरा दिन क्या है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, और आपको 11 बजे सोना है कि नहीं सोना है, फिर भी आप 1 बजे सो रहे हो, आप 12 बजे सो रहे हो, सही है। फिर उसके बाद आप कंप्लेंट कर रहे हो, सर सुबह अच्छा नहीं लगता, सर सुबह योगा मत कराया करो, सर सुबह एक्सरसाइज अच्छी नहीं है। अरे योगा एक्सरसाइज अच्छी है, तुम नालायक हो, तुम टाइम से नहीं सोए थे। अब मुझे पता है आज मैंने शादी में जाना है, शादी में आज मुझे जाना है, तो उधर चिकन भी भटूरे भी, ठीक है, और कौन और क्या होता है, नाम बताओ खाने के लिए, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। मुझे पता है मेरा अगले दिन मीटिंग है, मुझे पता है कि मेरी अगले दिन सुबह मीटिंग है 9 बजे, लेकिन अगले दिन मैं शादी से कितने बजे निकल रहा हूं, 2 बजे। लड़का लड़की के रिश्तेदार घर चले गए हैं, लेकिन मैं वहां बैठा हूं, बहुत मजा आ रहा है मेरे को, तो मजे लेने हैं, सही है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, सावधान, यस, विश्राम, सावधान, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं 11 पॉइंट, उनको अपना दिन पता होता है, उनको अपना टाइम पता होता है ना। मैं सेमिनार ले रहा हूं, मैं साथ के साथ अपना मोबाइल भी चेक कर रहा हूं, 12 बज गए हैं, मेरे पास अभी और कितना टाइम है, मुझे अभी और कितनी देर बोलना है, तो उसके हिसाब से मुझे कितनी एनर्जी लगानी है, कितनी नहीं लगानी है, समझ में आई बात। क्योंकि मुझे सिर्फ सेमिनार तो नहीं लेना, आगे और भी काम करना है, आगे और भी प्लानिंग है, आगे और भी मीटिंग है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे वो ऑफिसर हो, लीडर हो, कई बार कैरियर डिफेंस स्कूल होता है तो सबको लगता है फौज में भेजेंगे, सबको फौज में भेजेंगे। अरे ऑफिसर प्राइवेट में भी होता है, सरकारी में भी होता है, आर्मी में भी होता है, IAS भी ऑफिसर होता है, सही बात है ना। तो ये जितने भी मैं आपको हैबिट बता रहा हूँ, चाहे आप कल को बिजनेस करो, ऐसे कितने लोग हैं जो कल को बड़े होकर के बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, हाथ खड़े करो जरा। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बिजनेस करना चाहते हैं, हाथ खड़े करो। ऐसे बच्चे जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, हाथ खड़े करो जरा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखो ऑफिसर बनना चाहते हैं, सही है, वेरी गुड, हाथ नीचे करो, वेरी गुड, डिफेंस में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो IAS IPS बनना चाहते हैं, हाथ खड़े करो जरा, जो IAS और IPS बनना चाहते हैं, वेरी गुड, सही है, हाथ खड़े करो। तो जो बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, जल्दी से, वेरी गुड, वेरी गुड, हाथ नीचे करो। एक बार किताब पढ़ रहा था तो उसमें बड़ी मजेदार चीज थी, अमेरिका में, यस, अमेरिका में जब कोई टॉप करता है 12th क्लास में, कॉलेज में, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, मजेदार से बोलिए। तो अमेरिका में हर कोई, आज अमेरिका क्यों आ गया है ना, हमसे 100, छोड़ो मैं कह रहा हूं 150 साल आगे है, 100 साल के हमसे आगे क्यों है, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी कोई बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है, एजुकेशन लेता है, वहां पे हर कोई एक ही बात करता है, मुझे अपना काम करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। जब भी उनका इंटरव्यू होता है, जैसे इंडिया में आप टॉप करते हो, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, टीवी में आता है, किसने IIT में टॉप किया है, किसने NDA में टॉप किया है, किसने क्या नाम नीट के पेपर में टॉप किया है, इंटरव्यू आता है कि नहीं आता है, किसने बिहार बोर्ड में टॉप किया है, तालियां। तो मैं आपको बता दूं, उनको पता होता है, तो इंटरव्यूज होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन इंडिया में हर बच्चा क्या बोलता है, हर बच्चा जब भी इंटरव्यू होते हैं तो कोई बोलेगा मुझे सरकारी नौकरी करनी है, या कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, सही है। तो ये जो एक माइंडसेट का गैप है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किताब पढ़ी थी, मुझे नाम याद नहीं है, बड़ी प्यारी किताब थी, तो उसकी एक लाइन थी, है ना, द लीन स्टार्टअप किताब का नाम है, द लीन स्टार्टअप। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, कहीं ना कहीं से कंटेंट दिमाग में जो पढ़ते हैं वो दिमाग में चलता रहता है ना। तो मैं यही बात बता रहा हूँ कि हमारे माइंड मैप में थोड़ा सा गैप है, हमारी सोच अलग है, वहां की सोच, लोगों की सोच अलग है, सही है, क्लियर है। तो हमें जितना जल्दी हो सके, अगर आप चाहते हो कि हम सबको अपने देश को आगे लेके जाना है, तो हमें कुछ अपना भी करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स है कि आपको देगा, बताओ? ऑफिसर या लीडर तो कम ही होते हैं ना। अब आर्मी में कर्नल है, कर्नल तो एक ही बंदा बनेगा, सही है, और एक यूनिट में कम से कम 600-700 लोग होते हैं, 800 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, एक कर्नल उन 1000 लोगों को संभालता है। तो लीडर बहुत ही कम होते हैं, ऑफिसर बहुत ही कम होते हैं, समझ में आई बात। तो आपको ये भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ, आपको फ्यूचर में ये भी सोचना चाहिए कि क्या मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ, सही है, क्या मैं
अपना बिजनेस कर सकता हूँ, क्या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। अगर मैं सोचूंगा नहीं तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं कॉलेज में गया, मैंने देखा मेरे जितने भी दोस्त है उनके पेरेंट्स हर कोई बिजनेस कर रहा, हर कोई, और उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था। और मैं जब कॉलेज में गया तो मैं 20 रुपए के लिए 30 रुपए के लिए बहुत स्ट्रगल करता था, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में सोल्जर थे, सरकारी नौकरी थी, सही है, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। कॉलेज में कोई फंक्शन होता था, कुछ भी होता था, बहुत सोचना पड़ता। तो वहां जाकर मेरा थॉट प्रोसेस खुला, मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये चीजें कुछ डिफरेंट है। समझ में आ रही बात? तो आपको भी बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया जितने भी सक्सेसफुल हैबिट्स हैं, मैंने क्या कहा ये किताब का कंटेंट है, ये मेरा अपना पर्सनल कंटेंट नहीं है। आगे चलते हैं, 12वां पॉइंट, बिल्ड सिस्टम अराउंड योर वर्किंग प्रोसेस। हर सक्सेसफुल आदमी को पता होता है कि मैं अकेला बहुत काम नहीं कर सकता, 8 घंटा 9 घंटा ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा काम कर सकता हूँ, सही है। तो हर सक्सेसफुल आदमी इसलिए अपने आसपास क्या करता है, सिस्टम बनाता है, अपने आसपास प्रोसेस बनाता है, अपने आसपास टीम को तैयार करता है। बेटा सावधान, वेरी गुड, क्लियर है सभी को? एक बार जरा खड़े हो जाओ सारे, थोड़ा खड़े हो जाओ, बाजू वाले से हाथ मिलाओ, जरा बाजू वाले से हाथ मिलाओ, मजा आ रहा है, जोर से बोलो मजा आ रहा है। चलो बैठ जाओ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव बात करनी, ठीक है। अगर थकान हो गई, आप बार बार बोलोगे मैं थक गया, मेरे को चोट लगे, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द और ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप काम करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, खेल रहे हो, हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करो। अगर कोई बार बार आपके आपके आसपास में किसी को नींद आती है तो वो सीट छोड़ दो, उसको सोने दो, आप दूसरी सीट पे चले जाओ। नहीं तो उसको देख के, आपने कभी देखा है बस में लिखा होता है आगे वाली सीट पे बैठ के सोना मना है, पढ़ा है आप लोगों ने कभी बस में? हमेशा लिखा होता है, क्योंकि अगर तुम सोओगे आगे वाली सीट पे बैठ के तो ड्राइवर भी सोएगा, उसको भी नींद आएगी। समझ आई बात? पक्का? आई भाई, अरे जोर से कर दे यार, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जैसे हमारे आसपास लोग हैं, हमारा अगर ये पढ़ने में बहुत अच्छी है ना, तो मैं भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ना है, रिजल्ट अच्छा देना है। अगर ये सो रही है तो मेरा भी सोने का मन करे, इसको देखिए मुझे भी नींद आए। अगर ये सुस्त है, अगर ये ढीली ढाली है, हाँ जी सर और बताइए, हाँ जी सर, तो मेरे को भी ढीला ढाला फील होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो फटाफट वो सीट बदल दो, फटाफट जितना जल्दी हो सके, तुरंत। थ्री इडियट्स देखिए ना, क्या करना है भाई, सक्सेसफुल लोगों के झुंड में पहुंच जाओ, वो तुम्हें अपने आप सक्सेसफुल बना देंगे। अगर ये पढ़ने में अच्छी है तो इसके पीछे लग जाओ, अगर ये पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, तुम भी ये क्रिकेटर बनना चाहता है, तुम भी बनना चाहते हो, इसके साथ लग जाओ, ये खुद भी बनेगा तुम्हें भी बना देगा। हाँ जी बेटा खड़े जाओ। यस फॉलो नहीं करते, मत करो। मैंने क्या बोला, सक्सेसफुल तो 1% लोग ही होते हैं, सक्सेसफुल तो 1% ही होते हैं, सारे थोड़ी होंगे सर, स्कूल में सीटें बहुत कम है। फॉलो इसीलिए नहीं कर पाते ना, अरे स्टार्टिंग में क्या बोला था, इच्छा इरादा, इच्छा तो था लेकिन इरादा मजबूत नहीं है, अंदर से मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, करेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बात को बोलते फिर उतर जाते हैं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ जी आप कुछ कहेंगे? बोलिए। डेडिकेशन यही है जो हम इतनी देर से पूरा 15 टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, डेडिकेशन यही है कि मन नहीं है तो भी पढ़ रहे हैं, मन नहीं है तो भी खेलेंगे, क्योंकि पता है खेलने से सक्सेस मिलेगी। मन कर रहा है पिज्जा खाने का लेकिन नहीं खाएंगे, खिला के दिखा दो। कोक पीने का मन कर रहा है, नहीं पिएंगे, शादी के 10 कार्ड आए हैं, एक ही में जाएंगे, 9 में नहीं जाएंगे, 10 में चलना है। 200 शादियों में जाओगे तो आपको पता ही है क्या होना है, आपके हाथ में है, आपको सक्सेसफुल, ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कहां लेके जा रहे हो। समझ में आ गया? हाँ जी, क्या सवाल था? डेडिकेशन समझ में आ गया, मन नहीं है तो भी करेंगे,
रोक के दिखा लो, सुबह उठेगा मन नहीं करता है फिर भी उठेंगे, रोक के दिखा लो। संडे को पेपर 3 घंटे का यार, पेपर भी देंगे और क्लियर करके भी दिखाएंगे। समझ आगे बात, जोर से तालियां बजाओ अपने लिए। टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। एक बार क्या नाम आपका? यश राज, कहाँ से हो बेटा? यूपी से। कहाँ से? हम भी यूपी से हैं, बनारस से। बैठिए भैया, क्या हाल चाल? बैठो जरा, हमारे पास के ही हो तुम। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, यस, क्या बोला आपने? टाइम मैनेजमेंट। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, मेरा अगला पॉइंट आ रहा है, उनको टीम मैनेजमेंट आता है, उनको टाइम मैनेजमेंट आता है। उनको पता है हर काम मैं नहीं कर सकता, मैं दिन में 20 घंटा काम नहीं कर सकता, उनको पता है, उनको पता है। सही है, उनको पता है ये काम इससे करवाना है, टाइम से करवाना है। बढ़िया बंदा है, एक नंबर का बंदा है। क्या नाम है भाई? यश भाई है हमारा, मेरठ से, हमारे गाँव का है, बहुत तगड़ा काम करता है। सक्सेसफुल बंदे को ये चीज क्लियर होता है, समझ में आ गई बात? वो अपने आसपास को इवैल्यूएट करके रखता है, उसको लोगों से काम करवाना आता है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है टीम मैनेजमेंट, सर बस इसको बड़ा कर दीजिए, मैं कर रहा हूं। ठीक है जी, ये नीचे से। हाँ जी, पता लग गया टाइम मैनेजमेंट। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको टीम मैनेजमेंट आता है, उनको टाइम मैनेजमेंट। तो मैं सक्सेसफुल बनाना तभी तो हर संडे करवा रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस हो चुका है सब। क्यों करवाया तुम्हें? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी लीडर बनो। कैरियर डिफेंस स्कूल का नीचे लाइन क्या लिखी हुई है सर? कैमरा लिखाइए जरा, मेकिंग ऑफिसर बिल्डिंग नेशन। जितने ज्यादा ऑफिसर बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, देश उतना तेजी से आगे बढ़ेगा, उतना आगे बढ़ेगा, उतना तेजी से ग्रोथ होगी। सही है, और नहीं तो फिर वही है, दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तुमने क्या किया? तुमने देश को क्या दिया? सही है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, राहुला तो काम ही नहीं करता है ना? दूसरों को बोलना है, लेकिन हमने क्या किया भाई? हम कितना टैक्स देते हैं, है ना? हमने कितने लोगों को नौकरियां दी, या जो हम नौकरी कर रहे हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी क्या है? हम कैसे देश को आगे लेके जा रहे हैं? क्या हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है? क्या हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? नहीं। समझ में आई बात? तो टाइम मैनेजमेंट बेटा अपने आप में बहुत बड़ा, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, टीम मैनेजमेंट ये सब अलग अलग किताबें हैं। तो टाइम मैनेजमेंट ये कि जिन चीजों से आपको रिजल्ट मिलता है, आपको टाइम मैनेज कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, उनको मुझे ज्यादा टाइम देना है। एक बड़ी अच्छी किताब है जिसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। जो इन भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा है, हमारे 20% क्वेश्चन से 80% रिजल्ट आता है। 20% चैप्टर तुम्हें 80% रिजल्ट देते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सारे चैप्टर पढ़ोगे क्योंकि तुम नलायक हो, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। समझ में आएगा? तुम सारे चैप्टर को उतना ही टाइम दोगे, तुम सारे सब्जेक्ट को भी उतना ही टाइम दोगे, तुम्हारा पेपर कभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आता ही नहीं है। सही है। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनको 80-20 प्रिंसिपल पता होता है, और उनको पता है कि चैप्टर तो मेरे मैथ्स में 15 है, हाँ जी यश भाई, लेकिन पढ़ने तो सिर्फ 8 ही है, जोर लगा के 8 से पूरा पेपर आ रहा है मेन, ये हमें पता ही, हम तो सारे पढ़ेंगे। सर हमारी मैम ने ये वाला चैप्टर नहीं कराया, सर हमारी मैम ने ये वाला चैप्टर नहीं कराया। सही है, क्योंकि तुम्हें पैरेटो प्रिंसिपल पता ही नहीं है। बड़ी प्यारी किताब है जिनकी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब वर्ल्ड की बेस्ट बुक्स, वर्ल्ड की बेस्ट बुक, वहां से मैं तुम्हें कॉन्टेंट दे रहा हूँ। समझ में आ रही बात? तो वो जो प्रिंसिपल है बोलता है सारे चैप्टर को एक जैसा टाइम नहीं देना है, सारे सब्जेक्ट को एक जैसा टाइम नहीं देना है। जितना मैथ्स पढ़ते हो उतना हिंदी पढ़ोगे, जितना साइंस पढ़ते हो उतना हिंदी पढ़ोगे, अरे बर्बाद हो जाएगा भाई तू। समझ में आया? बर्बाद हो जाएगा। जितना मैथ्स पढ़ते हो उतना संस्कृत पढ़ते हो, फिर सबसे ज्यादा मैथ्स साइंस इंग्लिश मेन सब्जेक्ट जिसका पेपर ज्यादा आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो आपको फोकस करें।
क्लियर होगी बात, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया किस चीज को हमें ज्यादा टाइम देना। जब हम बचपन में ट्यूशन पढ़ने जाते थे, अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो कभी आप हिंदी की ट्यूशन ले पाते थे? जोर से नो सर। अच्छा कभी आप लोगों ने संस्कृत की ट्यूशन लगाई? संस्कृत नो सर। ओहो कोई नहीं मिला। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने सोशल साइंस की ट्यूशन लगा रखी थी? आप कुछ नालायक होंगे, वो सोशल भी पढ़ते होंगे, मुझे पता था। मुझे पता था। तो ज्यादातर लोग ट्यूशन क्या पढ़ते हैं? मैथ साइंस इंग्लिश, उनको पता है मेन सब्जेक्ट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे तो रीजनिंग भी आ गया, सही है। लेकिन क्या हम कभी हिंदी की ट्यूशन नहीं, संस्कृत नहीं, सोशल नहीं? समझ में आ गई बात? हाँ जी भाई साहब, टाइम मैनेजमेंट क्लियर हो गया, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। अब तुमने एक घंटा मैथ पढ़ना है, एक घंटा इंग्लिश पढ़ना है, एक घंटा साइंस पढ़ना है, एक घंटा हिंदी पढ़ना है, पांच घंटे पढ़ लिए तुमने, ठीक है। रिजल्ट आएगा नहीं तुम्हारा? आएगा नहीं। हिंदी तो तुम्हें पढ़ना ही नहीं था एक घंटा, हिंदी तो तुम्हें सिर्फ आधा घंटा पढ़ना था, मैथ्स तो तुम्हें एक घंटा पढ़ना नहीं था, मैथ्स में डेढ़ घंटा पढ़ना था, क्योंकि मैथ्स का पेपर ज्यादा आता है, क्वेश्चन ज्यादा आता है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, टाइम ज्यादा लेता है, सर ज्यादा दर्द करवाता है। मैथ साइंस, अब क्लियर होगी बात? ऑप्टिमाइज योर सोशल सर्कल। हाँ जी बोलो जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी माइक दे दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट, आपको पता होना चाहिए कि सही बच्चे ने हाथ खड़ा किया, पहले माइक देकर बताओ। हाँ जी, हाँ जी जोर से सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल्स एंड हॉबीज? स्किल्स एंड हॉबीज। हॉबीज, वेरी गुड। क्या नाम है सर? देव। देव कहाँ से हो? सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। देखो स्किल तो वो चीजें हैं जिसको हमें इम्प्रूव करके पैसा कमाना है, हॉबीज वो होती है चलो आज पार्टी कर लेते हैं, शौक होता है ना, सैटरडे को नाइट पार्टी करनी है। है ना, गाना है ना करेंगे दारू पार्टी। कौन सा गाना है? तो स्किल्स और हॉबी में क्या फर्क है? स्किल्स वो चीजें होती है, मैंने क्या बोला था, द वन थिंग, बड़ी प्यारी किताब है, सावधान, वन थिंग जिससे मेरे को रिजल्ट आता है, जिससे मेरे को फायदा होता है, जिससे मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज स्किल, दैट इज स्किल। मैं बोलने में अच्छा हूं, मैं वीडियोस अच्छी बनाता हूं, सही है, उससे क्या होता है, समझ में आ गई बात? अब हॉबीज क्या है? खेलने में अच्छा लग रहा है, हॉबी है, तभी तो मैंने बोला था ज्यादा जोर लगा के नहीं खेलना, हाथ उठवा के बैठ गए, हॉबी थी ना भाई। अगर आज का मैच हार गए तो थोड़ी तुम्हें वर्ल्ड कप मिलना था, है ना, थोड़ी तुम्हें 1 करोड़ का प्राइज मिलना था जो तुमने अपने टांगे तोड़वा ली, किसी की टी शर्ट फाड़ दी, किसी पे चढ़ गए उसकी भी हाथ तोड़ दी, अपना भी टांग तोड़ ली, सही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने स्किल्स के ऊपर लगातार काम करना है, लेकिन हॉबीज के ऊपर लगातार काम थोड़ी करना है। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी हॉबीज के ऊपर लगातार काम नहीं करना है, हॉबीज को क्या, चलो संडे है कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा रिलैक्स करना है, दोस्त से मिलाते हैं, मन कर रहा है, बड़ा टाइम हो गया मिले हुए, है ना, या 4-5 महीने हो गए, बड़ा टाइम काम करके सर दर्द होने लग गया, स्ट्रेस हो गया, चलो थोड़ा घूम आते हैं, 1-2-4 दिन घूम आते हैं, पार्टी कराते हैं, चलो शिमला घूम आते हैं, सही है। लेकिन स्किल्स क्या है भाई, जिसके ऊपर लगातार काम करें, लगातार काम करें, लगातार, मन है तो भी नहीं है तो भी, हॉबी का मन करता है, स्किल का मन नहीं करता, सुबह उठना पड़ता है, मन करता है नहीं, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, मन करता है, सवाल का जवाब मिल गया भाई। हाँ जी खड़े जाओ, हाँ जी जोर से प्लीज। हाउ टू इंक्रीज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाए? सबसे पहले अगर आपको कंसिस्टेंसी बढ़ानी है ना, तो अपने आसपास को ठीक करना पड़ेगा। जैसे मेरे को पतला होना है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो मेरे सामने अगर कोक पड़ी रहेगी तो मैं पी लूंगा, कोई बर्गर पिज्जा मेरे घर में मेरा भाई खाएगा तो मैं भी खाऊंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, अगर मुझे पता है कि यार मेरे को अपने आप को फिट रखना है, तो मेरे घर में बर्गर आएगा ही, मेरे घर में पिज्जा आएगा ही, मेरे घर में पार्टी होगी नहीं, और कोई होगी तो मैं वहां जाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आसपास का माहौल ठीक करना है, अपने दोस्त ठीक करना है। अगर तुम्हारे आसपास रूम में वही है, कुछ बच्चे
एब्यूसिव लाइन में चूज करते हैं, उनको लगता है बड़ा कूल लग रहा हूँ, उनको लग रहा है बड़ा कूल लग रहा हूँ, धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर जीरो करते जा रहे हैं, कैरेक्टर अपना धीरे धीरे जीरो करते जा रहे हैं। सही है? आपने क्या करना है, अपना माहौल ठीक करना है, अपना सर्कल ठीक करना। अगर आपका सर्कल ठीक हो गया ना, वो लोग खुद ही आपकी मदद करेंगे। यार आज सेल्फ स्टडी करते हैं, यार आज मैथ्स करते हैं, मेरा ये चैप्टर करा दिया भाई, यार तेरा ये चैप्टर क्लियर है यार, तेरे इसमें नंबर अच्छे आए थे, क्या नाम है भाई? बोले अबे घबराया हुआ क्यों भाई, अबे लड़का हूं मैं, अबे डर क्यों रहा भाई, ऐसे घबरा रहा, काम रहा है भाई, काम रहा है। देखो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। आप किस प्लैनेट से आए हो, खड़े हो कौन से प्लैनेट से हो भाई? तो भाई क्या हुआ, क्यों घबराए? देखो इसीलिए सेमिनार होते हैं, इतना घबराया हुआ है तो सबने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर मत जाना, सीधे खड़े हो जाओ, स्टैंड रॉक रेडी। हाँ क्या हुआ, बोलो नाम क्या है तुम्हारा? ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तालियां बजाओ जरा। ऐसे लोगों को देखो, जो ऐसे घबराए लोग हैं, इनको गले लगाना है, ठीक है? इनका हमें साथ देना है, इनका हाथ पकड़ना है, ठीक है जी? आगे बताओ जरा इस बच्चे के लिए बहुत आगरा। यस पिन ड्रॉप साइलेंस, आई थिंक साइलेंस। सावधान, जो भी लोग सक्सेसफुल है उनको पता है कि हमें अपने आसपास के लोगों को आगे भी लेके चलना है, सिर्फ खुद ही नहीं हवाई जहाज ले रहे हैं उनको भी मदद करनी है, ठीक है जी? उनको भी मदद करनी है, अपने आसपास का ऑरा इतना पॉजिटिव कर देना है, इतना पॉजिटिव कर देना है, जैसे आप वहां जाओ लोगों के फेस पे एक जबरदस्त स्माइल आए, आपसे बात करने का मन करे, आपके साथ बैठने का मन करे। सही है? क्लियर है? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, जब मैं उन बड़े बड़े स्पीकर्स को देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बड़े बड़े ग्रुप, आपको पता है ये सारा जो कंटेंट है हमने बड़ा बिजनेस के टीम के साथ टाई अप किया हुआ है ना, हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे लीडर्स है, उनको हमने ऑलरेडी कोर्स दिया हुआ है, बच्चों के लिए हमने कोर्स लिया हुआ है, ठीक है जी? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हर सक्सेसफुल आदमी उसको ये भी देखना है कि मुझे अपने साथ के लोगों को भी आगे लेके चलना है, जिस बहाव में मैं जा रहा हूं उनको अपने आगे लेके चलना है, तभी बात बनेगी। सिर्फ अकेले सक्सेसफुल होने से आप कभी लंबा नहीं जा पाओगे, हो सकता है आप थोड़ा ऊपर चले जाओ, वापिस वही आपके आसपास के लोग आपको वापिस टांग खींच के नीचे ले आएंगे, तेरी ऐसी भी तरफी, बहुत हीरो बन रहा था है? बहुत उड़ रहा था, वो आपको नीचे लेके, आपको क्या करना है, इससे पहले वो आपको नीचे लेके जाए आपने उनको अपने साथ ऊपर लेके जाए। ताली बजाओ जोर से। सर जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन में कैसे रखो, जो हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन होते हैं, नेगेटिव पीपल होते हैं, उसको कैसे साइड करें? सेम क्वेश्चन है बेटा, ये जो एक भाई साहब का क्वेश्चन था और आपका क्वेश्चन है वो सेम है। अगर मेरे आसपास का माहौल ठीक रहेगा ना तो मैं वो मेंटेन कर पाऊंगा, लेकिन मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम करना चाहता हूँ, हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा बोलता है पापा थोड़ा छुट्टियां पड़ रही है, अमेरिका घुमा लाओ। सही है? अरे पापा बहुत टाइम हो गया है, 2 साल से कोविड चल रहा है, थोड़ा कहीं घुमा वहां तो लाओ। सही है? वाइफ कह रही है भाई थोड़ा शिमला विमला घुमा लाओ, बड़ा टाइम हो गया है। मेरे को अपने आसपास का माहौल ठीक रखना है, अपने आसपास का। अगर मेरी रिश्तेदारी ऐसी है, फिर आज इनका एक, आज एक की बेटी की शादी है, कल सब बुआ की लड़की की शादी है, जीजा जी के बेटे की शादी है, सारी शादियां लगाई जाओ, तुम शादियां लगाओ तो तुम कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहले जो क्वेश्चन मैंने बोला था बेटा, उसका आंसर सेम है। क्या हुआ बेटा, आपकी भी ऐसी क्यों आ रही है? खो न जाइए तारे नबी पर, है ना? कभी कभी ऐसी भी होती है, इन बच्चों में एक दो तो बच्चे अलग ही हरकत करते हुए दिखते हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं और ये बेटा समझ नहीं आता, तो उनको बेचारा को क्या ही बोले, उनको देख के ना मुझे वो तारे नबी पर वाली मूवी याद आ जाती है, तो मेरे को उनको गुस्सा क्या आता, फिर मुझे लगता है कि मुझे इस लड़की की मदद और करनी है, इसको
इसको और सपोर्ट करना है मुझे, सही है? हाँ जी प्लीज प्लीज, यस। हार्ड वर्क करना इम्पोर्टेंट है या स्मार्ट वर्क? क्या नाम है बेटा आपका? श्रेया, कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल से। पापा क्या करते हैं बेटा? प्राइवेट फॉर्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, जॉब करते हैं, राइट? वेरी गुड। श्रेया कौन सी क्लास में हो? एट्थ क्लास में। दोबारा से क्वेश्चन बोलो जरा जोर से। हार्ड वर्क करना इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट वर्क? हाँ जी, कोई आंसर देना चाहेगा इसका? विदाउट हार्ड वर्क, ध्यान से सुनो, शुरुआत को हार्ड वर्क से ही करती है, ध्यान से सुनना। लेकिन जब आप करते जाते हो, ध्यान से सुनना, जब आप एक ही चीज पे फोकस करते जाते हो, आगे अपने आप रास्ते स्मार्ट वर्क के दिखने लग जाते हैं। मेरे को दिख रहा है, इसको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं हार्ड वर्क करके आया हूं ना। ये कैसे दिख रही है सर? कहां है, कहां दिख रहा है स्मार्ट वर्क? उसी सेम चीज को देखने पे मेरे को आइडिया आ रहा है, मेरे को आइडिया आ रहा है, इनको नहीं आएगा। मछली वाली आंख याद है? वो मछली की आंख अर्जुन को दिखता है आंख, बाकी सब क्या कहते हैं? मुझे तो पूरी मछली दिख रही है, क्योंकि उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ, यस सावधान सावधान, हाँ जी, उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे वो कौन थे? अर्जुन थे। इसलिए उनको अपना गोल बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, टारगेट क्लियर दिख रहा था, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, आपको पूरी मछली दिख रही है, सही है? समझ में आई बात? तो बेटा शुरू में हार्ड वर्क करना पड़ेगा और एक ही फील्ड में करते रहना पड़ेगा। और जब आप करते जाओगे, कुछ लोग हैं 6 महीने 1 साल तैयारी करी, अरे सर नहीं निकला, चलो कोई बात नहीं, अगले साल से आपका स्मार्ट वर्क शुरू हो जाएगा। पहला साल हार्ड वर्क वाला ही होता है, पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है। अभी उस बेचारे को पता ही नहीं 80-20 प्रिंसिपल, वो कह रहा है 15 चैप्टर है सारे तैयार करने हैं, लेकिन इसको पता है। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। पूर्वी को पता है? पूर्वी कह रही भाई कौन सी दुनिया से आया है, और किसने बोला तुझे 15 चैप्टर तैयार करने को? शाम को जा मेडिकल स्टोर पे दवाई ले, और कल से 15 चैप्टर नहीं करने, सिर्फ 8 मेन चैप्टर करने हैं। इसको समझ में आता उत्तरी तो मेरे दिमाग में तो आ रही है, क्योंकि उर्वी 2 साल से तैयारी कर रही है। उर्वी के साथ मैं पहले 20 बार मिल चुका हूँ, 20 चीजें समझा चुका हूँ, उस भाई के साथ पहली बार मिल रहा हूँ, सही है? समझ में आ गई बात? इनके लिए थैंक यू, एक बार तालियां बजा दो जरा इस क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड बेटा, तालियां कैसे बजाते हैं आपको? वैसे एक बार में ऐसे समझाया, एक बार 10 सेकंड्स के लिए, जो एक साथ बजाओ, बस 10 सेकंड्स के लिए, इतनी लंबी नहीं बजाते, ठीक है? हाँ जी बैठ जाओ उर्वी, थैंक यू सो मच। क्योंकि उर्वी ने उस स्किल के ऊपर 2 साल से काम कर लिया, आपको अभी 4 महीने नहीं हुए, आपको सफलता, आपको तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्वी ने काम कर करके अब मैं बोर्डिंग स्कूल चला रहा हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस जबरदस्त है। 2 साल से लॉकडाउन था, छुट्टियों के बाद अभी प्लान है दूसरा स्कूल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 2 साल से लॉकडाउन में आपको पता ही है, एक्सपीरियंस आ गया है, सीटें फुल हो गई है, सारे सॉफ्टवेयर लग गए हैं, सिस्टम पूरा बन गया है, सही है? हॉस्टल एकदम सुंदर बना दिए, सारी स्मार्ट क्लासेस बन गई है, स्विमिंग पूल तैयार हो गया है, स्पोर्ट्स की सारी चीजें लग गई हैं, वार्डन सारे आ गए हैं, स्पोर्ट्स के सारे टीचर आ गए हैं, सही है? पक्का? ध्यान से सावधान, अब मैं दूसरे पे काम शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे को अब पता लग गया है। पहली बार मेरा कम से कम मैं बता रहा हूं मेरे 8-10 करोड़ रुपए लग गए, क्या दूसरी बार में मेरे फिर से 10 करोड़ रुपए लगेंगे? नहीं लगेंगे, मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूं, अब मेरे को पता लग गया वो 10 करोड़ वाला काम अब मेरा 7 करोड़ में हो जाएगा या 6.5 करोड़ में हो जाएगा, क्योंकि 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 मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया है, मेरे को चीजें समझ में आ गई है। हर कोई बोर्डिंग स्कूल तो नहीं चला रहा है, आपके घर के आसपास कितने बोर्डिंग स्कूल है, नहीं है ना? तो लगातार कंसिस्टेंसी से आपको पता लग जाएगा, क्लियर है? अब मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, अब मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूं, पहले मैंने हार्ड वर्क किया 4 साल 5 साल 6 साल, आज मेरे पास बहुत बड़ी टीम है, करीब करीब 250-300 लोगों की बहुत बड़ी टीम है, वीडियो बनाने वाले, रिकॉर्डेड वीडियो बनाने वाले, ऑनलाइन पढ़ाने वाले, मतलब फॉर्म भरने वाले, सैंपल पेपर प्रोवाइड करने वाले, बुक्स देने वाले, बहुत बड़ी टीम है। समझ में आ गई बात? पहले नहीं थी, तो मैं हार्ड वर्क कर रहा था, मैं खुद ही करता था, ठीक है? समझ में आ गया? पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर आगे चलते। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ जरा, ठीक है जी? ऑब्जेक्ट
ऑप्टिमाइज योर सोशल सर्कल, मैंने आंसर दे दिया है। कुछ आपके आसपास लोग होंगे जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। हाँ जी हिमाचल वाले भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा। ऑप्टिमाइज योर सोशल सर्कल, पॉइंट ले लिया मैंने। अपने आसपास सही माहौल होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन मेरे लिए फायदेमंद है, कौन मेरे लिए नुकसान है। जो अच्छे लीडर होते हैं उनको पता है ये टीचर मेरे को जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है, मुझे इसका पूरा ध्यान रखना, ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। क्या नाम आपका, क्या नाम है? नाइनेशिया। अरे बहुत बड़ा प्यारा नाम है नाइनेशिया, क्या बात है। कौन सी क्लास, कहां से आए आप? पंजाब से, वेरी गुड। यस, उनको पता है इसके साथ मुझे पढ़ाई करनी की नहीं करनी, इसके साथ मुझे सेल्फ स्टडी करनी की नहीं करनी, इसके साथ मुझे लंच करते वक्त जाना है कि नहीं जाना, इसके साथ मुझे अपना रूम शेयर करना है कि नहीं करना, उनको पता होता है। एक ही रूम में है लेकिन पूरे पूरे दिन भर उनको बात करेंगे, मैं इससे बात करूंगा, मैं इसी के रूम में रहता हूँ, उसका रूममेट हूँ, लेकिन मैं इससे बात करूंगा, मुझे पता है इसके साथ अभी बात करूंगा, ले जाएगा, चल बेटे ग्राउंड में चलते, मजा आएगा। बाकी लोग लंच करके 20 मिनट में आ जाते हैं, मेरे को पता है इसके साथ जाऊंगा ये 40 मिनट में आएगा, ये लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर हाथ धोने जाएगा, फिर थोड़ी देर वॉशरूम करने जाएगा, फिर थोड़ी देर कंघी वंघी मार के बाल बाल गीले करेगा, होते ना ऐसे बच्चे, तो मुझे पता है इसके साथ जाऊंगा मेरे 40 मिनट खराब है, जाना ही नहीं इसके साथ, सही है, क्योंकि ये मेरे पीछे लेके जा रहा है, मुझे पता है वो पीछे वाला बंदा बदनाम है, अगर मैं उसके साथ घूमूंगा तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, मुझे पता है मैं घूमूंगा ही, उसके साथ जाऊंगा ही, सही है। 14th पॉइंट, कैमरामैन थोड़ा सा सर इधर लाइए, डोंट बी एक्सेसिबल ऑल द टाइम, मैंने ये भी पॉइंट कवर कर लिया है। सक्सेसफुल लोग हर शादी में नहीं जाते, हर किसी को हाँ नहीं करते, हर सब्जेक्ट बराबर नहीं करते, पक्का फ्री नहीं है। इंस्टाग्राम चला रहे मजा आ रहा है, टिकटॉक चला रहे, टिकटॉक चला रहे बहुत मजा आ रहा है, सावधान है ना। अभी फेसबुक की एक रिसर्च आई थी जिसमें फेसबुक जो है ना वो बहुत ज्यादा हेट कंटेंट दिखाता है, हेट कंटेंट, लड़ाई झगड़े वाला, मार काट वाला, गाली गलौच वाला, फेसबुक पे देखोगे ऐसे, उसमें पता कितने 100 मिलियन व्यू, 50 मिलियन व्यू, कोई अच्छी बात नहीं। गांधी जी की बायोग्राफी, सुभाष चंद्र की बायोग्राफी 8 लाख व्यू, 5 लाख व्यू, 4 लाख व्यू, 2 लाख, अच्छी चीज कोई पढ़ना नहीं चाहता, ना 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 ना। तो लड़ाई झगड़ा हुआ, वो दो लड़कियां लड़ रही है बाल बाल पकड़ के, सब वीडियो देख रहे हैं, भाई मजा आ रहा है, अब काम आ रहे, अब दो लड़कों मार दे, अब तेरी है
आधा पीस या एक पीस बर्गर खा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हर दूसरे दिन बर्गर खा रहा हूँ, हर दूसरे दिन कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, सही है? फेसबुक चलाना गलत नहीं है, फेसबुक चलाना गलत नहीं है, दिन भर फेसबुक चलाना गलत है, सही है? हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे कल को यूट्यूब पर वीडियोस बनाए, फेसबुक पर वीडियोस बनाए और पेड स्पॉन्सरशिप करें, कोलैबोरेशन करें और आप भी महीने का 5-5 लाख रुपए कमाओ, 8-8 लाख रुपए कमाओ, 10-10 लाख रुपए कमाओ। मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल दिया था, विराट कोहली एक पोस्ट डालता है, एक पोस्ट, और उसके करीब 7 करोड़ रुपए लेता है। सावधान हो जाओ जरा, कान खड़े हो गए, आया मजाक, शौक लगा? 7 करोड़ रुपया, अनुष्का शर्मा 5 करोड़, ठीक है जी? यानी दोनों पति पत्नी जाते हैं किसी घूमने, एक फोटो अनुष्का ने डाली, 5 करोड़ अकाउंट में आ गए, विराट ने डाली 7 करोड़ आ गए, 12 करोड़ अकाउंट में, सही है? समझ में आई बात? लेकिन एक बार सोच के देखो, उस एक पोस्ट वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी हो। अपनी आंखें बंद करो, सावधान, एक बार इमेजिन करके सोचो, सोचू बनना है, सोचो सोचो सोचो, यार क्या कोई किसी को 7 करोड़ रुपए ऐसे दे देता है, क्या कोई किसी को 5 करोड़ रुपए ऐसे देता है? सोच कर देखो, आंखें बंद करो, सावधान हो जाओ और एक बार सोचो आराम से, आपके बोलो, आज मैंने आपको बहुत जबरदस्त पॉइंट बताया था, 15 से 20 मिनट अपने आपको देखिए, मी टाइम लेना है, मी टाइम का मतलब क्या होता है? माय टाइम, मेरा दिन कैसा रहा, कौन कौन से लोग हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो मेरे लिए बहुत बुरे हैं, कौन कौन से लोग मुझे लाइफ में आगे बढ़ने में बात कर रहे हैं, ये बंदा मेरी मैथ्स में मदद कर रहा है, ये मेरे को सुबह 5 बजे उठाने में मदद करता है, ये मेरे को खाना खाने में मदद करता है, उस मी टाइम में आपको सोचना है। मैं भी सोचता हूँ मेरे कौन कौन से टीचर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरा कौन कौन सा स्टाफ मेरे लिए बहुत अच्छा है ना, मैं सोचता हूँ मेरे पास लिस्ट है, मेरे कौन कौन से पेरेंट्स हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, जिनके 5-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुझे 7-7, 8-8 लाख रुपए दे रखे, मैंने उनकी लिस्ट अलग बनाई हुई है, उनको मैं और प्यार से रखता हूँ, सही है? वो लोग अलग है, कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो पूरे साल भर बस परेशान ही करते रहते हैं, नेगेटिव बातें ही करते हैं, कभी भी अच्छा नहीं बोलते हैं, मैंने उनकी पूरी ब्लैक लिस्ट तैयार करके रखी है, ब्लैकलिस्ट, समझ नहीं बात? कौन कौन से लोग हैं जो दुखी है, कौन कौन से टीचर है जो हमेशा दुखी रहते हैं, मैं पूरी लिस्ट पढ़ी, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, सही है? मेरा कौन कौन सा स्टाफ है जो बहुत अच्छा है, बेचारा रात दिन भर लगा रहता है, बहुत मेहनत करता है, मेरे पास उनकी पूरी लिस्ट है। इस बार पीटीएम होगी, पीटीएम में क्या होगा, आपकी पूरी लिस्ट होगी, क्लास वाइज, हाँ जी मैम, क्लास वाइज 15% टॉपर बच्चों की लिस्ट अलग बना ली है, क्लास वाइज 15% जो नलायक बच्चे उनकी लिस्ट अलग बना ली है, और उसी के पीछे 70% जो बच्चे एवरेज बच्चे उनकी लिस्ट अलग बना रखी है, आपकी पूरी पॉकेट मनी की लिस्ट हमने अलग निकाल रखी है, मेडिकल रिपोर्ट की लिस्ट अलग निकाल रखी है, क्लास टीचर से रिव्यू ले लिया इस लड़की का, हाँ जी खड़े हो, क्या नाम है, पूर्वी का रिव्यू ले लिया, ठीक ठाक से पढ़ाई कर रही है कि नहीं, अप्रैल में और मई में कुछ गड़बड़ तो नहीं करी इसने, इनके वार्डन से भी ले लिया है, क्लास टीचर का रिव्यू अलग ले लिया है, वार्डन का अलग ले लिया है, स्पोर्ट्स टीचर का अलग ले लिया है, अब इनकी मम्मी को दिखाऊं, इनकी मम्मी ज्यादा एक्टिव रहती है ना, पापा थोड़ा कम इन्वॉल्व है, मम्मी ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा, तो इनकी मम्मी जब पीटीएम में भी आई थी, जून में पीटीएम होने वाली है 4-5 तारीख को जो भी है, तो उसमें क्या होगा, उर्वी की मम्मी को दिखाऊंगा क्लास टीचर इनके बारे में क्या कहता है, स्पोर्ट्स टीचर शाम को ग्राउंड में जाके खेलती है कि नहीं खेलती है, वार्डन बताएंगे हॉस्टल में सुबह टाइम से उठती है कि नहीं उठती है, रात को टाइम से सोती है कि नहीं सोती है, इसका सर्कल कैसा है, सारा वार्डन इसकी पूरी लिस्ट बनाएंगे, इनका पूरा डीएनए निकाल लिया, ठीक है, इनका पूरा डीएनए आरएनए सब हमने निकाल लिया, पिछले स्कूल में इनके नंबर कितने आए थे, पहले पढ़ने में कैसी थी, कल को पता चला, खड़े हो जाओ बैठो, क्या नाम है भैया, आशीष की मम्मी बोला, अरे सर पढ़ने में पहले तो बहुत तेज था, यहाँ पे आने के बाद 1 महीने तो नलायक हो गया, कोई 1 महीने में नलायक हो जाता है, कोई 1 महीने में प्रधानमंत्री बन जाता है, है कोई 1 महीने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो ना तो कोई 1 महीने में सक्सेसफुल होता है, ना कोई 1 महीने में नलायक होता है, किसी को सक्सेसफुल बनने में भी सालों साल लगते हैं, किसी को नलायक बनने में भी सालों साल लगते हैं, कोई रातों रात
अपना लायक नहीं मिलता था, ठीक है, कि इसकी संगत में आ गया और सर कल तक तो ठीक था, कल सुबह ठीक था, आज शाम से नालायक हो गया। बैठो आशीष, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हां जी, तो नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट, वी हैव लास्ट पॉइंट, दिस टाइम इज राइट टू चेंज योर हैबिट्स। अगर जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनको पता है मुझे अपनी आदतें बदलनी ही पड़ेंगी, अगर मैं नहीं बदला, देखो 1% वालों में आना है, 1%। मैं आपको एक मस्त डाटा बताता हूँ, मस्त डाटा, और देखो कितनी चीजें तो पीपीटी में है ही नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में बात करते करते अपने आप आ रहे, क्योंकि पढ़ा हुआ है दिमाग में, सही है, पढ़ा हुआ है, बुक्स पढ़ते हैं, डेली पढ़ रहे हैं, दिन में 3-4 घंटे तो किताब पढ़नी पड़ती है। आंधी आए तूफान आए, आज अकाउंट में पैसे नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में नॉलेज जरूर जानी चाहिए, समझ आई बात? हाँ जी, एक दिन पैसा कम कमा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 टाइम की जगह 2 टाइम खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक दिन नॉलेज मिस कर दी तो गलत है, सही है? गरीब आदमी क्यों परेशान, अनपढ़ आदमी क्यों परेशान, है ना, दुनिया ऐसी है दुनिया वैसी। अरे बेटा दुनिया खराब नहीं है, तुम गरीब हो, तुम अपनी गरीबी से दुखी हो, तुम अपनी अनपढ़ता से दुखी हो, जो एक अनपढ़ आदमी है सोचो उसकी लाइफ कैसी हो, सही है? अनपढ़ आदमी की लाइफ कैसी हो, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि उसको हर कोई लूटेगा, हर कोई, समझ में आ रही बात? अगर उसमें पैसा है थोड़े टाइम तक रहेगा, लेकिन सब लोग उसको झूठ साथ बोल के आगे पीछे करके तुम्हारा बहुत बढ़िया ऐप बना दूंगा, 2 लाख रुपया लगेगा, वो ऐप बनती है 10,000 रुपये, 2 लाख रुपये ले ली, तुम्हारे को बहुत बढ़िया सूट सिलवा दूंगा 50,000 रुपये लगेगा, 5,000 का सूट का अनपढ़ आदमी को 50,000 रुपये में बेच दिया, सही है? तो अगर कोई आदमी गरीब है अनपढ़ है, दुनिया से परेशान नहीं हो, अपनी गरीबी से परेशान, अपनी अनपढ़ता से परेशान, अपने आप से परेशान, समझ आई बात? तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको पता है हमें अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, हमें बातचीत करनी आनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना आना चाहिए, सही है, हमें राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमें सही तरीके से काम करना है, हमें गलत काम नहीं करना है, सही है? जब आपके पेरेंट्स आते हैं एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता है, बच्चों से हर 15 दिन में कॉलिंग करवाएंगे, होता है कि नहीं, 1 तारीख को और 15 तारीख को, होता है ना, बच्चों से मिलना अलाउड नहीं है, पीटीएम में आना अलाउड है, पीटीएम के बीच में रैंडम मीटिंग अलाउड नहीं है, सही है? हर चीज रिटर्न में किया जाता है। तो जब भी सक्सेसफुल लोग काम करेंगे, आप काम करोगे आपको एथिकली वर्क करना पड़ेगा, सही है? सक्सेसफुल लोग इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनका फोकस पैसे पे नहीं होता हर टाइम, क्लियर है? उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, क्लियर है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन, यस यस, बोलो जी, शाबाश, बोलो जी, जल्दी 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 माइक दे दीजिए जी हमारे बच्चे को, जल्दी से। सर, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनीथिंग? व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनीथिंग? अभी है, अभी, अभी मिल गया सवाल का जवाब। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लूंगा, कल पढ़ लूंगा, कल एक्सरसाइज कर लूंगा, कल से ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, परसों से कर लूंगा, अगले, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, हाँ जी, प्रोक्रेस्टिनेट, हमारे पेरेंट्स अभी तो 2 साल पढ़े हैं, अगले साल से तैयारी करवाएंगे, करवा लेना, अगले साल नहीं होने वाला। अगर आपको टाइम मिल रहा है, आपके पास 2 चांस आ रहे हैं, आपकी एज आ रही है, ये क्या होता है, ये माइक क्यों नाराज है, हे माइक तुम मुझसे क्यों नाराज है? हाँ जी, आप ठीक, देखो रिक्वेस्ट करी थी ये भी मान गया, बी सॉफ्ट, बी फर्म, बी पोलाइट, सही है, हमेशा इसके साथ भी, सही है? अगर आप प्यार से चलोगे तो माइक भी ठीक चलेगा, लोग तो बड़े आराम से वैसे ठीक हो जाते हैं, सही है? हाँ जी, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा, वो लास्ट में क्वेश्चन आ रहा था, यस यस यस, हाँ जी, राइट टाइम पता लग गया भाई साहब, बेटा राइट टाइम आज है, अभी है, इसी वक्त से है। अगर मेरी सोच आज से बदल गई तो आज से ही प्रकृति मुझे सक्सेसफुल बनाने में लग जाएगी, लोग मुझे सक्सेसफुल बनाने में लग जाएंगे, मेरे को सक्सेसफुल, मेरे टीचर्स मेरी मदद कर रहे हैं, मेरा स्टाफ मेरी मदद कर रहा है, मेरे पेरेंट्स मेरी मदद कर रहे हैं, वो लाइव आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि सर आपकी वीडियो से हमें लगातार फायदा हो रहा है, लगातार हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, हमारा फ्री में फॉर्म भरा गया है, हमें फ्री में सैंपल पेपर मिला है,
सारी बात वो आज से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कल से पढ़ लेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, फिर मंडे आए ट्यूसडे ठीक चले, फिर अगले मंडे से पढ़ेंगे, फिर अगला मंडे ट्यूसडे निकला, फिर बैठे से थर्सडे तक आते ढीले पड़ गए। समझ में आई बात? डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। हाँ जी, हाउ टू फोकस ऑन माई गोल, वेरी गुड। क्या नाम है बेटे आपका? खुशहाल। कहां से हो? दिल्ली नजफगढ़। अरे वाह वाह, ये वीरेंद्र सहवाग के घर से आए हैं भैया, ताली बजा दो जरा जोर से। हमारे वीरेंद्र सहवाग की नंबर नजफगढ़ से है, दिल्ली के, ठीक है। हाँ जी, कौन सी क्लास में बेटा? नाइन्थ क्लास में। पापा क्या करते हैं? रेलवे पुलिस में। भाई बैठा दो जल्दी, बैठ लो भाई। रेलवे पुलिस में, ठीक है जी। बेटा मैंने इन सवालों का जो आंसर अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो, क्या क्वेश्चन आपका दोबारा से बोला? हाउ टू फोकस ऑन माई गोल, वेरी गुड। अपने गोल पे फोकस कैसे करें, कोई बताएगा? आज के सेमिनार में यही सब चला है, कोई बताएगा? हाथ खड़े करो, कोई बच्चा शेयर करना चाहता है, कोई गर्ल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। अपने गोल के ऊपर फोकस कैसे करें, अपने आसपास का एनवायरमेंट ठीक करके, लोगों को ठीक करके, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करके, 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर ओवर एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका इंजन बंद हो जाएगा, आपका शरीर भी मोबाइल की बैटरी की तरह है, ठीक है, धीरे धीरे आपकी जो बैटरी है वो फट जाएगी, गर्म हो जाएगी। समझ में आई बात? तो अगर गोल पे फोकस करना है तो 80-20 प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, अपने आसपास अच्छा माहौल बना करके चलना पड़ेगा, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके आसपास माहौल गलत है तो उस माहौल से जल्दी से बाहर आना पड़ेगा। जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनका साथ लेना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा कि भाई प्लीज आज मेरा मैच का एक चैप्टर करवा दे यार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यार। समझ आई बात? चलिए ठीक है सर। हाँ जी गर्ल, कैसे बेटा? सर, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर? फियर ऑफ फेलियर, जैसे जैसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इनकी भी वीडियो दिखा दे रहा है, मम्मी देखे बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है खुशी। खुशी की मम्मी वीडियो देख रही होगी, अपनी मम्मी को हेलो कर दो। कहाँ से हुआ? देखो नमस्ते, खुशी तो प्राइक का छोड़ा नहीं है, नमस्ते। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी, थैंक यू। कहाँ से बेटा? फरीदाबाद। पापा क्या करते हैं? सर्विस मैन है। क्या सर्विस करते हैं? ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर। क्या आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? फियर ऑफ फेलियर, जैसे जैसे धीरे धीरे हर संडे जब आप ये प्रिंसिपल्स यूज करोगे आपका रिजल्ट इम्प्रूव होने लग जाएगा। कभी भी कोई चीज कम नहीं होती है, दूसरी चीज बढ़ती है, कम नहीं होती है, फियर कभी कम नहीं होगा, फियर उतना ही रहेगा, लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ऊपर उठता जा रहा है। इस संडे 100 से 50 नंबर आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, अब आप पता क्या बोलोगे? नवंबर दिसंबर तक इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे पेपर क्लियर करने से। फिर धीरे धीरे आपके सलमान खान की तरफ एक बार जो मैं कमिटमेंट कर। पांचवी चीज, जल्दी जल्दी फियर फैक्टर अपने आप फियर उतना ही रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरी पॉजिटिव चीज, ऐसा नहीं कि मेरी पॉजिटिव चीज ज्यादा, नेगेटिव चीज कम है, नेगेटिव उतनी है, पॉजिटिव बहुत बढ़ गई है। हाँ जी, पॉजिटिव बहुत बढ़ गई है। मेरा मैथ साइंस इंग्लिश रीजनिंग, मेरा साइंस जीरो है, अच्छा नहीं है। मैं अपने मैथ्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ मेरा बढ़ता जाएगा। मैं मैथ्स पे काम कर रहा हूँ मेरा मैथ्स बढ़ेगा। मैं पॉजिटिव हैबिट पे काम कर रहा हूँ, पॉजिटिव बढ़ेगा। तो मैं आज का पॉइंट था हमारा कि हमें नेगेटिव चीजों को फीड नहीं करना है। हम सबके अंदर क्या है? हीरो है। आपके अंदर हीरोइन है, ठीक है। कौन सी हीरोइन है बताओ, कौन सी बताओ, कौन सी हीरोइन की तरह? कैटरीना क्या है? अरे बाप रे, ये कौन सी है? अरे टाइटैनिक वाली, ये बात तो सही बोले, ताली बजाओ जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का लियोनार्डो डिकैप्रियो मिल ही जाएगा आज ही तुम्हें, ठीक है। तो वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब आप लगातार अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम करते जाओगे, आपके अंदर जो एक हीरोइन है उसको आप बड़ा करते जाओगे, नर्चर करते जाओगे, आपकी पॉजिटिव हैबिट्स को डेवलप करते, फियर उतना ही रहेगा, ये चीजें इतनी बढ़ जाएगी आपको डर खत्म हो जाएगा।
हाँ जी थैंक यू मैडम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हाँ जी कौन सा नाम था हीरो का? केट विंसलेट। अरे वाह, मुझे तो हीरो का नाम पता था, वो मेरा फेवरेट है। देखो हीरोइन इनकी फेवरेट है और हीरो मेरा फेवरेट है, लियोनार्डो। हाँ जी यस सर, हाउ टू चेक योर नेम? एक मिनट, उस हीरो को मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने उसकी काफी सारी बिजनेस मूवीज देखी, मुझे बड़ा पसंद आता है बिजनेस। मैं अपने गोल से रिलेटेड मूवीज देखता हूँ तो उसकी काफी सारी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और भी काफी सारी उसकी मूवीज हैं, बहुत ही जबरदस्त है और वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाउ टू सेट गोल? गोल कैसे सेट करें? चलिए, क्या नाम है बेटा? सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? स्लाइड देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? मैंने क्या बोला था? फर्स्ट 30 ईयर स्लाइड देखो, रिवीजन करा रहा हूं मैं, रिवीजन। पहले 30 साल हम अपनी आदतें बनाते हैं और अगले 30 साल हमारी आदतें हमें सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है, हमारा फ्यूचर बनाती है, हमारी जो आदतें हैं वो हमारी लाइफ बनाती है, हमें सक्सेसफुल बनाती है। तो इधर अगर आप ध्यान से देखो, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है अपना वाई, वाई वाई, क्यों मुझे सक्सेसफुल बनना है? मुझे अपनी माँ को खुश करना है, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है, मुझे अपने देश को आगे लेके जाना है। सावधान विश्राम, सावधान। आपका गोल, आपका टारगेट, आपका फोकस तभी बनेगा जब आपका वाई क्लियर होगा। सबसे पहले जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मोदी जी को पता है मेरा वाई क्या है, मुझे अपने देश को कहां लेके जाना है, पता है? समझ में आ रही बात? पता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको पता है, जिनमें क्लियरिटी है, हीरो है, उनको पता है यही टीचर करती है, ये टीचर मुझे रिजल्ट देती है, नहीं ये मुझे नहीं देती तो मैं पैसे के लिए इस तरह की टीचर नहीं करूंगा, सही है। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, मुझे पता है मेरे को ये रोल मिलेगा, मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं यही मूवी करूंगी, ये वाली मूवी मैं नहीं करूंगी। डायरेक्टर के कहने से, प्रोड्यूसर के कहने से, या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, मैं ये वाला मूवी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि उनका वाई क्लियर होता है, सही है। पहले बहुत पुराने मनोज कुमार एक हीरो थे तो वो देशभक्ति से रिलेटेड मूवीज बना देते, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला, गाओ यार मेरे साथ, भारत का रहने वाला, भारत की बात सुना। क्लियरिटी है, सिंपल लाइफ में क्लियरिटी है ना। कई लोग हैं कोई पैसा कमाने, अरे कोई भी पिक्चर ले लो, मारे में अभी आपने देखा होगा आजकल ऐड आती है बड़ी ज्यादा, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और क्या नाम है, अजय देवगन, ये तीनों मिलकर जुबा केसरी की ऐड करते हैं बहुत ज्यादा, बोलो जुबा केसरी, तो ये लोग जनता जब आपको बेच रहे हैं, सोचो सही है। अब मेरे को कोई बोलेगा सर आपको 2 करोड़ रुपए ले लो, आप भी जुबा केसरी बेचो, सही है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत आइडिया देते हैं, सर छोड़ो क्या स्कूल खोलोगे, फिर से इतना पैसा लगाओगे, 10 करोड़ रुपए से बढ़िया होटल खोलते हैं, इससे बढ़िया रेस्टोरेंट खोलते हैं, क्या खा दो सर, किस चीज वाला काम है? नहीं बोलते हैं 10 करोड़ 5 करोड़ मैं दे दूंगा सर, आधी पत्ती मेरी डाल देना, आधे पैसे मेरे डाल देना, ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा काम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि गोल क्लियर है। हाँ जी भाई साहब, फोकस क्लियर है, टारगेट क्लियर है, वाई क्लियर है कि मुझे क्यों करना है, मुझे स्कूल क्यों खोलना है, सही है, मुझे ऑफिसर्स क्यों बनाने हैं, मुझे लीडर्स क्यों बनाने हैं, सही है। एक बार जरा सारे खड़े हो जाइए फटाफट। हाँ जी, बाजू वाले से हाथ मिलाओ जरा भाई, बहुत मजा आया आज, जोर से जोर से, एक बार जरा जोर से हंसेंगे, जोर से हंसेंगे, भारत माता की जय।
क्या प्लान है मतलब इनका आगे का क्या शेड्यूल है? लंच के लिए बेटा खड़े हो जाओ, लाइन वाइज निकल जाओ पीछे से, फर्स्ट लाइन खड़ी होगी, ओनली फर्स्ट लाइन, ओनली फर्स्ट लाइन।